जननु ग्रहतो जन्तु नया को जो पूरा स्वरूप है, चाहे तो सृष्टि को, चाहे तो लीला को, चाहे तो साधना को, और लोगों से अपना मतभेद यह है कि और लोगों के यहाँ एक सीधी रेखा है, या को आदि है और अपने यहाँ सीधी रेखा नहीं है, अपने यहाँ सर्कल है। सर्कल का मतलब क्या कि आपने जा पॉइंट से शुरुआत करी वो आदि, और वा पॉइंट के पीछे तक अब आप जब आ गए तो अंत पर, वहां अंत नहीं हो रहे, पाछो आदि शुरू हो जाए। वर्तुल बना में तो वाको ये स्वरूप होगा, सीधी रेखा बना में तो वाको आदि अंत अपने को दिखेगा। तो वर्तुल बना में गोलाकार तो वाको आदि अंत नहीं होगा, वो जहाँ आदि हो है वहां से फिर अंत हो, जहाँ अंत हो वहां से पहुंची आदि हो। ये बात अपने यहाँ सृष्टि के लिए भी है, भगवान के स्वरूप और लीला के लिए भी है, साधना के भी लिए है, प्रमाण प्रमेय के लिए भी है, सब जगह यही नियम अपन ने लगभग स्वीकार के चल। जैसे बहुत प्रसिद्ध बात है, आपने सुनी और पढ़ी होगी, सतयुग के बाद त्रेता आवे, त्रेता के बाद द्वापर आवे, द्वापर के बाद कलयुग आवे, फिर पाछो सतयुग आ जाए।
ऐसे इकहत्तर चौकड़ी को मनवंतर फिरे तो फिर पाछे वही पहलो मनवंतर आ जाए। जैसे चैत्र महीना सु फागुन महीना तक एक वर्ष को क्रम चले पाछे चैत्र महीना आ जाए, वो सब जगह एक चक्र है। ये अपने आप को मुख्य सुर है, कोई भी बात को समझ ब्रह्म के स्वरूप आप देखो अद्वैत को, जहां में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि सजातीय विजातीय स्वगत द्वैत वर्जित, ब्रह्म को कोई सजाती नहीं है, माने जा जात को ब्रह्म है, वा जात को कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। जैसे हम गोस्वामी हैं तो अकेले मैं गोस्वामी नहीं हूँ, गोस्वामी जात के और कई व्यक्ति हैं। ललित जी पुष्करणा है तो अकेले ये पुष्करणा नहीं है, पुष्करणा जाति के और भी कई लोग हैं। ऐसे ब्रह्म की जाति को और कोई ब्रह्म है नहीं, तो सजातीय भेद सुरहित है। विजातीय भेद, विजातीय भेद को मतलब क्या, जैसे गाय और घोड़ा को भेद, गाय घोड़ा नहीं है, घोड़ा गाय नहीं है, ऐसे ब्रह्मसु विजाति कोई वस्तु है तो महाप्रभु जी कहे कि ब्रह्मसु विजाति कोई वस्तु भी नहीं है। एक सजाति को भेद हो है, जैसे ललित जी पुष्करणा और मुनिया जी भी पुष्करणा, दोनों पुष्करणा तरीके एक है पर है कहीं हो आचार्य और ये मतड़ भेद हो गया ना, सजाती को भेद हो गया। यहाँ ब्रह्म में सजाती को भेद भी नहीं है, विजाती को भेद भी नहीं है, कि ब्रह्म जा जाति को है, वासु अब्रह्म जाति को कोई हो, अब्रह्म जाति को भी दुनिया में कोई नहीं है। तब एक छेलो बचे है स्वगत, स्वगत को मतलब क्या, जैसे आप आके रामेश्वर जी हो और आपको माथा जो है वो पैर नहीं है, पैर जो है वो हाथ नहीं है, हाथ जो है वो पेट नहीं है, पेट जो है वो बाल नहीं है, बाल है वो नख नहीं है, तो रामेश्वर तरीके आप एक हो पर आपके अंदर स्वगत भेद बहुत सारे हैं, कि हर चीज जो है सो है, दूसरे नहीं है। ब्रह्म के बारे में ऐसा भी इनकार किए गए, ब्रह्म को कोई अंग ऐसा नहीं है कि जा अंग से दूसरे अंग को कार्य वो न कर सकते। अपने को आश्चर्य हो गया ऐसा बात सुन के, पर आश्चर्य की बात यह नहीं है कि जो छोटे एक कोशी जीव हुए हैं उनमें अपने इंद्रियत के भेद नहीं हो, एक कोशी जीव हो मैं तो वो अपने एक कोश से सारो कार्य करते हो, वहां में भी है ये ब्रह्म के जो भी अंग हैं उनमें या तरीके को एक अंग से दूसरे अंग को कार्य नहीं हो सके, ऐसा नहीं है, दूसरे अंग को कार्य नहीं हो सके, तो स्वगत भेद भी नहीं है। अब इतनो तरह से भयंकर अद्वैत है ब्रह्म के स्वरूप में, क्या फल कुछ सोचे तो भय हो भाई ऐसा कैसा अद्वैत है, इतना भयंकर अद्वैत होते हुए भी लीला में ब्रह्म को कुछ सजाती भी प्रकट हो जाए, ब्रह्म को कुछ विजाती भी प्रकट हो जाए, कुछ स्वगत भी प्रकट हो जाए। विजाती को महाप्रभु जी समझा कि जितनी जड़ सृष्टि है, ब्रह्म तो जड़ नहीं है और जड़ सृष्टि ब्रह्म में सुप्रकट है, तो विजाति भेद प्रकट हो गया। ब्रह्म चेतन है, अचेतन नहीं है, जीव भी चेतन है, तो ब्रह्म को और जीव को सजातीय भेद हो गया। ब्रह्म सृष्टि के हर कार्यकलाप में
नियमन करने के लिए अनेक विध अंतर्यामी को रूप ले है, तुम्हें स्वगत भेद भी हो जाए, क्योंकि जो अंतर्यामी जैसे आपके भीतर विराजे हुए, अंतर्यामी आपके भीतर विराजे हुए है, मेरे भीतर नहीं है, मेरे भीतर विराजे हुए अंतर्यामी मेरे भीतर विराजे हुए आपके भीतर नहीं, तो स्वगत भेद भी हो गया। तो जो स्वरूपता ब्रह्म सजाती विजाती स्वगत भेद सुवर्जित है, वो लीला में इन तीनों भेदों को प्रकट करे। लीला में प्रकट करे, पर लीला में प्रकट होने के बाद फिर पाछी लीला जा बखत महाप्रलय हुए वक्त पाछे लीला जो है वो सब स्वरूप में समाहित हो जाए, और फिर पाछे ब्रह्म सजाती विजाती स्वगत भेद रहित हो जाए। तो वो एक देखो चक्र चल गया ना, स्वरूप माने स्वरूप के अभेद सु सारे प्रकार को भेद पैदा भय, और सारे प्रकार के भेद में से पाछे फिर स्वरूप को अभेद सिद्ध हो जाए। अपने यहाँ जैसे कोई चीज को भेद हो गया प्रकट, तो भेद प्रकट हो गया फिर वहां को अभेद होना बड़ा मुश्किल हो जाए। एक वक्त दो चीज जो भिन्न पड़ जाए, जैसे दो डाली है भिन्न हो गई एक थड़ में से, फिर वो पाछी एक होनी उनको बहुत मुश्किल है। अपने यहाँ ये लाचारी है, ब्रह्म में वो लाचारी नहीं है ना बच्चा। ये ब्रह्म के स्वरूप और लीला में भी यही तरीके को आखो क्रम, यही तरीके को क्रम अपने यहाँ साधना में भी है। अब जैसे एक बात ध्यान से समझो, अपन और सब साधना को अभी नहीं लें यहाँ, व्यर्थ को विस्तार हो जाए। पुष्टि मार्गी मूल में दो तरह की साधना को अपन पकड़, एक शरणागति की साधना और एक भक्ति की साधना, दो तरह की साधना है। शरणागति की साधना में अपन क्या सोचे हैं कि मेरे जो भी उद्धार को करता मैं नहीं प्रभु, मतलब मेरे उद्धार को आधिभौतिक साधन आध्यात्मिक साधन या आधिदैविक साधन मैं नहीं, मेरे पास नहीं है, प्रभु के पास है, प्रभु के पास है करके प्रभु की अपन शरणागति है। अभी आज अपन यूं मन में लफड़ा हो गया क्योंकि शरण शब्द को अर्थ बदल गए। अपन यूं कह श्री कृष्ण शरणम माने, श्री कृष्ण मेरी शरण है, श्री कृष्ण मेरी शरण है ये अर्थ नहीं है, क्योंकि शरण को अर्थ आधो अपन हिंदी ले रहे हैं, आधो संस्कृत को ले रहे हैं। संस्कृत में शरण शब्द का अर्थ है या तो घर या रक्षक। जा वक्त अपन यो कहे कि श्री कृष्ण शरण मम, तो अपन क्या क्या रहे कि मैं जहां रह रहे हूं वो आधार मेरे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण मेरा रक्षक है। पर यह की खूबसूरती देखो रामेश्वर जी कि श्री कृष्ण मेरो रक्षक है, जैसे कोई अपना रक्षक हो, अपन अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो अपन पुलिस के पास जावे, जज के पास जावे, कोई सेठिया के पास जावे, कोई बलवान के पास जावे भाई तुम हमारी रक्षा करो, तो अपन शरण जावे, कृष्ण की शरण में जाए नहीं जाए,
शरण आगति है, शरण में आयो जाए। जाना और आने में फर्क कितना है। एग्जैक्टली वही तरीके को, जैसे सुबह हो गए तो सब चिड़िया अपने अपने घोंसला में सो, गांव भर में बट के, शाम को पाछी अपने घोंसला में अपने पेड़ पे आ जावे, वो शरणागति है। शरण में आनो, अपन जहाँ रह रहे हैं वहां में लौट आना। अब एक बात समझो कि भगवान के स्वरूप को विचार करें तो भगवान सर्वव्यापी है। जो भगवान सर्वव्यापी है, वासु बाहर अपन निकल सके तो वहां में आवे ना। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, यहां बैठे हो, घर से यहां आ रहे हो या यहां से घर जा रहे हो, किशनगढ़ से तो बाहर नहीं जा रहे हो। दोनों स्थिति में आप किशनगढ़ में ही हो। ऐसे अपन कहीं भी हो, कहीं भी हो, जा भी स्थिति में हो, जा स्थल पे भी हो, वहां ब्रह्म में तो है ही ना, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापी है। आनो कैसे, आने को मतलब सीधो से ये समझाया गया है कि अपन ने जो गलती से मान ली हो तो कि अपन ब्रह्म में नहीं है, वो फिर से मान लेनो कि भाई ब्रह्म में है अपन। अपन ने गलती से मान लिया तो कि मेरे अहंकार से जो मैं साधना करूंगो, भौतिक आदि, भौतिक आध्यात्मिक आदि देवी, उन मेरी साधना से मेरी रक्षा होगी। अपन शरण रक्षक को पास आवे हैं तो वो मेरी साधन नहीं, तेरे साधन से मेरी रक्षा हो रही है। तो अपने यहाँ शरण गति नहीं है, शरण आगति है। आगति कौन से अर्थ में, ये अपन समझ सके अच्छी तरह से कि अपनी ना समझ सु अपन कहीं गए भाई, अपने को समझ रहे थे, समझ गए अपन तथ्य, तो अपन पाछे शरण में आ गए। तो प्रभु में अपन हैं, प्रभु में अपन प्रकटे हैं, प्रकटने के बावजूद भी क्योंकि प्रभु अपने को अनुभव में नहीं आवे है, वाकई अपन यो समझे कि यहाँ है वहाँ है, ये मेरो रक्षक है वो मेरो रक्षक है, कोई भी मेरो रक्षक हो, वह रक्षक के रूप में अंत में तो प्रभु ही मेरो रक्षक है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक आदमी को प्रभु के शरणागति पे बड़ी भारी आग्रह होता है, प्रभु के मैं शरण में, प्रभु मेरे रक्षक। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, घरन में घुसने लगे पानी, तो बचाने वाले लोग नाव लेके आए कि भाई चलो भाग चलो, अपने घर में पानी घुस रहे हो भाग चलो, लेकिन तुम कौन बचाने वाले, प्रभु में तो बचाने वाले, चले गए बेचारे बेचारे, पानी भर के ऊपर तक डूब गए, वो छत पर जाके खड़े हो गए, तब उनको हेलीकॉप्टर भेजो भी बचाने के लिए, वो छत पर खड़े गए, हेलीकॉप्टर से उनको उठाओ पूरी तरह से बचाओ, तो हेलीकॉप्टर से उठाने के लिए भेजो, उन्होंने कही तुम कौन बचाने वाले, भगवान बचाने वाले, जिद पकड़ ली कैसे बचा, अंत में पानी इतना बढ़े हो कि छत के ऊपर से भी बह हो और वो बह गए। क्रिश्चियन में कथा है, बह गए तब वो स्वर्ग में गए, तुमने भगवान से झगड़ा किया जाके, हमने तो तुम्हारे पर बचाने को विश्वास रखे हो, तुमने बचाया ही नहीं, डुबा दियो, और कितनी बार मैंने सब भेजे बचाने वाले ही तो को,
तो तुकू मेरे पर ही विश्वास नहीं है तो या लिए तेने बचना नहीं चाहिए। नाव लेके नाव को तेरे यहाँ भेजने की प्रेरणा कौन ने दी? नाव वाले को मैंने दी। हेलीकॉप्टर वाले को तुकू बचाने की प्रेरणा कौन ने दी? मैंने दी। बुद्धि प्रेरक मैं हूँ। जब जब मैंने भेजे तब तब तेने बचना नहीं चाहिए क्योंकि तुकू मेरे पर ही विश्वास नहीं है कि मैं सर्वरूपधारी हूँ। अब मैं कैसे बचाऊ तू? ऐसी क्रिश्चियन में कर पाया। तो या रहस्य को अच्छी तरह से समझो कि शरणागति को मतलब है या ना समझ सू बाहर आना। कि कोई भी मेरा रक्षक है वो अंत में तो प्रभु ही रक्षा कर रहे हो ना। तो प्रभु रक्षा कर रहे हो तो वो प्रभु को शरण में अपन आ रहे हैं, प्रभु की शरण में अपन जा नहीं रहे हैं। क्योंकि अपन ना समझी से जो समझे कि कोई रक्षा करे है, कोई रक्षा करे नहीं प्रभु के अलावा। प्रभु के अनेक रूप है, हमें जा रूप से प्रभु को रक्षा करनी है कैसे कर। या अर्थ में शरणागति है तो देखो पाछे वो को वही चक्र आ गया। प्रभु में सु अपन, प्रभु में अपन है। अज्ञानवश अपन समझ रहे हैं कि प्रभु में नहीं है, प्रभु अपने रक्षक है। अज्ञानवश अपन समझ रहे हैं कि प्रभु रक्षक नहीं है, कोई और रक्षक है। समझ लिए अपन ने भाई सब तरह से प्रभु ही रक्षक है तो शरण में आ गए। शरणागति में भी वही चक्र है। यही तरह से ध्यान से देखोगे भक्ति को भी यही स्वरूप अपने यहां बताया गया है। भक्ति मूल में क्या है? भक्ति मूल में भगवान की आत्मरति। भगवान में रही भाई जो आत्मरति है, अपन क्योंकि भगवान के अंश हैं तो आत्मरति को अंश अपने को भी मिल गया। जैसे एक बात समझो, आत्मरति, आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा। आत्मविश्वास का मतलब क्या? खुद पे विश्वास हो। अपन दूसरे पे विश्वास है कि नहीं है वह बात की चिंता बहुत कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को खुद पे विश्वास तो होना चाहिए ना, क्योंकि खुद पे अपने को विश्वास नहीं हो तो दूसरे पे भी विश्वास नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब दूसरे पे अपन विश्वास करने जाएंगे तब अपने को पाछा अविश्वास होगा कि भाई मैं विश्वास कर रही हूं पर मेरा विश्वास सच्चा है कि खोटा। आत्मविश्वास होए अपने को तो अपन दूसरे पे भी विश्वास कर सके। आत्मविश्वास नहीं हो तो दूसरे पे भी विश्वास नहीं कर सके। जैसे दुकानदार लोग क्या है, ताला लगा हुए, अब उनको आत्मविश्वास ही नहीं हुआ है, लगा के ताला दो कदम आगे जाकर फिर लौट के आके हिला के लगे हो कि नहीं लगे। भाई ताला लगे हो कि नहीं, ताला पे विश्वास तो हो जाना बहुत सरल है, खुद पे विश्वास करना बहुत कठिन है। खुद ने लगाया है, खुद ने बंद किया है पर खुद पे विश्वास नहीं हो है। करके ताला लगा के फिर एक दो बार हिला के देखे कि लगे कि नहीं लगे। अब जब खुद पे विश्वास नहीं है तो ताला पे विश्वास कोई मतलब नहीं रह गया। आदमी के साथ हर वक्त ये तकलीफ है कि आदमी को आत्मविश्वास नहीं है, आत्मश्रद्धा नहीं है, आत्मरति नहीं है। आत्मरति होए तो सर्वत्र रति हो जाएगी। अपन खुद खुद को पहले चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? अपने को खुद को अपने में श्रद्धा है कि नहीं? जब अपने को खुद में श्रद्धा नहीं है तब फिर अपने को कोई चीज की रक्षा, कोई चीज में अपने को श्रद्धा नहीं है। याली उपनिषद यूं कहे कि भगवान मूल में आत्मरति है। भगवान की जो आत्मरति है और अपन क्योंकि भगवान के अंश है, वासु अपने में भी आत्मरति को अंश, जैसे अपन अंश है ऐसे अपनी आत्मरति भी अपने में अंश के रूप में मौजूद है।
अब वो अंश के रूप में अपने में मौजूद है, आत्म रहती है। वो चक्कर क्या हुआ है कि अपन वह आत्म रति सु अपने खुद को देखने के बजाय सबको देखने लग जाए, वाकई लिए सब में रति हुए अपने को ये भूल जाए के या सबको मूल आत्मरति। क्योंकि यदि आत्मरति नहीं हुए तो दूसरे से रति हो कैसे सके। मैं समझो यार तकिया कुछ आ रहे हो, तकिया मुझे पसंद या तकिया को मैं चाह रही हूं, कब चाह पाऊंगा तकिया को, मेरी चाहना को मैं चाह पाता हूं तो मूल में मेरी चाहना को मैं नहीं चाह पा रहे हूं तो मैं तकिया कैसे चाहूंगा। जैसे आत्मविश्वास की बात है वही बात आत्मरति की भी है। तो अपने भीतर आत्मरति है, वो आत्मरति दरअसल लौकिक विषय के बारे में नहीं है, अपने बारे में, खुद के बारे में। और क्योंकि अपन खुद को देखना भूल जाए या के लिए अपन जीव को देख रहे हैं वहां में अपन को रति हो जाए, कोई को खाने में, कोई को पीने में, कोई को धंधा में, कोई को पढ़ाई में, कोई को नौकरी में, कोई को घर में, कोई को बाहर में, कोई को जिस जैसी जो चीज जापसु अपन जुड़े भय वासु अपन रति करने लग जाए। और अपने को ध्यान नहीं आवे कि अपन ये सब जो रति कर रहे हैं वो अपनी आत्म रति के कारण रति कर रहे हैं। भक्ति कहां से स्टार्ट हुआ ये बात देखो, भूले चुके अपने को ये बात ख्याल में आवे कि दुनिया की कोई भी चीज को अपन चाह रहे हैं वो मूल में या लिए चाह रहे हैं कि अपन खुद को चाह रहे हैं, ये समझ में आवे कि खुद को चाह रहे हैं या लिए अपन दूसरी वस्तु को चाह रहे हैं, तो अपनी आत्मरति पाछी अपने स्वरूप में स्थित भई, स्वरूप में स्थित भई तब अपने को मौका मिलेगा कि तो अपना सच्चा स्वरूप क्या। अपना सच्चा स्वरूप है कि अपन वा परमात्मा के अंश हैं, वा परमात्मा के अंश हैं करके अपनी जो आत्मरति है वह वा परमात्मा के आत्मरति को अंश है। जैसे सोना में चमक है, सोना को एक छोटा सा टुकड़ा लिया अपन ने तो हमें छोटे से टुकड़ा जितनी चमक हुई तो वो चमक है काय की, सोना को अंश है बाकी चमक है ना। ऐसे अपने में जो आत्मरति है वो अपन जाके अंश है बाकी आत्मरति को अंश है। तो या लिए अपन आस्तिक होए कि नास्तिक होए, ईश्वर में मानते होए कि ईश्वर को नहीं मानते होए, आत्मरति के लेवल पे अपन हर परमात्मा को चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, चाह ही रहे हैं। चाहे वो मनुष्य होए, चाहे जानवर होए, चाहे कोई कीड़ा होए, चाहे पशु होए, चाहे पक्षी होए, ये बातें क्या यहां भक्ति को मूल है। पर हुआ क्या है कि परमात्मा को जो अपने को ज्ञान है वो हुआ नहीं है, क्योंकि अभी अपने को आत्मज्ञान नहीं हुआ तो परमात्मा को ज्ञान कहां से हुआ। पहली बात तो अपने को आत्मज्ञान हुआ तब परमात्मा ज्ञान, अपने को आत्मज्ञान ही नहीं हो रहा। जैसे सीता जी को खोजने के लिए जानो तो हनुमान जी को, अंगद को, इन सब को ख्याल ही नहीं है तो कि हम जा सके कि नहीं जा सके, किनारा पर बैठ के सब कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि कैसे जाएंगे क्या होगा। फिर उन्हें याद दिया कि भाई तुम पवन पुत्र हो, तुमको जाने में क्या तकलीफ है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अभी जाके आत्मज्ञान भयो तो वो जा सके, आत्मज्ञान नहीं भयो तो नहीं जा सकते। आत्मज्ञान क्या भयो कि मैं पवन पुत्र हूं तो पवन जा सके तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ऐसे अपने को आत्मज्ञान हुए
कि मैं प्रभु को अंश हूँ, तो वो आत्मरति अपनी प्रभु के तरफ मुड़ सके। आत्मज्ञान नहीं हो तो नहीं मुड़ सके, विषय के तरफ मुड़ी पड़ी है वो आत्मरति। आत्मज्ञान होने के लिए अपने यहाँ क्या कहे हुए हो कि अपने बजाय प्रभु को महात्म्य अधिक अपने को स्फुरित होना चाहिए, अंश के बजाय अंशी को महात्म्य अधिक स्फुरित होना चाहिए। जैसे एक सामान्य बात समझो, मैं अभी यहां बैठे भए हैं, सब लोगों से एक एक करके पूछूं आप कहाँ रहो, तो सब लोग क्या कहेंगे, नए शहर में, पुराने शहर में, मदनगंज में। कोई ऐसे कहेगा किशनगढ़ में, कोई ऐसे कहेगा राजस्थान में, कोई ऐसे कहेगा हिंदुस्तान में। अपन के जो रहने के छोटे एरिया अपन ने बना रखे हैं अपनी सोच के हिसाब से, वहां में अपन रह रहे हैं। पर वहां में रह रहे हैं वहां को मतलब ऐसा तो नहीं ना कि किशनगढ़ में, पुराने शहर में रह रहे हो वहां को मतलब ऐसा हो सके कि किशनगढ़ में नहीं रह रहे हो, या नए शहर में रह रहे हो वहां को ऐसा मतलब हो सके कि किशनगढ़ में नहीं रह रहे हो, या मदनगंज में रह रहे हो वहां को ऐसा मतलब हो सके कि किशनगढ़ में नहीं रह रहे हो। अरे भाई यहाँ रहो कि वहां रहो, किशनगढ़ में तो रह ही रहे हो, किशनगढ़ में रह रहे हो मतलब राजस्थान में तो रह ही रहे हो, राजस्थान में रह रहे हो मतलब भारत में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो मैंने पृथ्वी पर रह रहे हो। पर अपने को कब जब भी कोई पूछे कहाँ रह रहे हो तो कोई ऐसे कहेगा कि पृथ्वी पर रह रहे हो, तो भान ही नहीं होगा अपने को। रोज पृथ्वी पर घूम रहे हैं पर वह पृथ्वी को भान नहीं हो, घर को भान हो कि यहाँ रह रहे हैं वहां रह रहे हैं। ऐसे अपने को ये भान हुआ है कि मैं श्याम मनोहर हूँ, आप रामेश्वर जी हो, ये ललित है, ये मोनिया जी है, ये संजय है वगैरह, अपने को ये भान नहीं हो कि मैं परमात्मा को अंश हूँ, क्योंकि काम नहीं आवे ना अंश हो दुनिया में। अपने को भान का ही चीज को रहे कि जो चीज काम आती है वही काम आवे नहीं करके वो भान नहीं रहे। और काम कौन सी चीज आवे कि जो नहीं मिलती हो और कोई उपाय से मिले तो अपने को काम आवे, जो सहज मिल रही है वाके प्रति कोई को ध्यान ही नहीं जावे। जैसे हवा सहज मिल रही है, कोई नौकरी करना पड़े, धंधा करना पड़े, कोई माँ बाप से उत्तराधिकार पत्र लिखवाना पड़े कि हम अपने बेटा को उत्तराधिकार में लिख रहे हैं कि आपको हवा मिलनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, उनको ध्यान ही नहीं जावे यही है कि अपन को हवा मिल रही है। ऐसे जो चीज बिना प्रयास के मिलती हो ना वहां पे अपना ध्यान नहीं जावे। प्रयास से कचरा भी मिले ना तो ध्यान जावे, बिना प्रयास के सोना मिलता है ना तो ध्यान नहीं जावे। मनुष्य की परिस्थिति ऐसी है, स्वाभाविक है, कोई एक व्यक्ति की नहीं है, हर व्यक्ति की ऐसी है कि बिना प्रयास के कुछ भी मिले हो और अपना वापस ध्यान हटे, प्रयास मिले तो अपने को लगे कि लफड़ा है कुछ, चलो अब ध्यान गया। प्रभु अपने को, परमात्मा अपने को बिना प्रयास के मिले गए, परमात्मा की आत्मरति अपने को बिना प्रयास के मिली भई है, तो वापे अपना ध्यान नहीं जावे। अब कोई लड़की खोजने जाना है तो प्रयास करना पड़ेगा ना, बाकी अपनी कुंडली मिलानी पड़ेगी, आपके माँ बाप के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ शादी के वो जो विज्ञापन में छापना पड़ेगा, कई तरह के प्रयास करोगे तब जाके वो मिले, तो वहाँ पे अपना ध्यान जाओ। हमें बहुत होती है प्रयास से मिली ना, अप्रयास मिली। पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी दुर्दशा आज के तारीख में ये है कि अपन पुष्टि मार्ग में पैदा हो गए ना, बस बिना प्रयास के पुष्टि मार्ग में लिया करके पुष्टि मार्ग में ध्यान। जिनको भी प्रयास से पुष्टि मार्ग मिले उनको ध्यान तो बराबर पुष्टि मार्ग पर है, जिनको अप्रयास मिल गए है क्यों आप पुष्टि मार्गी, बोले बाप दादा पुष्टि मार्गी ध्यान गए हो,
इतनो सोचो नहीं कि बाप दादा पुष्टि मार गए थे, प्रयास तो भयो नहीं कछो, तो आप ध्यान जावे ही नहीं। हर वक्त मनुष्य को स्वभाव की ये एक विलक्षणता है, और जबकि जीवन में आवश्यकता अप्रयास से मिलती वस्तु की ज्यादा है, हो इकोनॉमी में एक नेसेसिटी हो एक लग्जरी हो, ध्यान से देखो कि अप्रयास से मिलती सारी की सारी वस्तु नेसेसिटी है, प्रयास से मिलती सारी वस्तु या नेसेसिटी के कंपैरिजन में लग्जरी है। खाली हवा अप्रयास से मिल रही है, हवा नेसेसिटी, हवा नहीं मिलेगी दम घुट जाएगा। प्रकाश अप्रयास से मिल रहे हो, सूर्य को चंद्रमा को, वहां पे अपना ध्यान नहीं जावे। ये बिजली को प्रयास जो है वो प्रयास से मिले, तो वहां बिल कितना आयो और वहां बटन कैसे जोड़ना और वहां बटन बिगड़े तो सुधारना कैसे, बाकी वायरिंग रिपेयर कैसे करनी, सारे प्रयास आ गए ना, बड़ा ध्यान जाए तो बिजली को कनेक्शन बराबर होना चाहिए। कभी अपन सोचे कि सूर्य को कनेक्शन बराबर होना चाहिए? बेचारा सूर्य आते है तो टेरा लगा के और बंद कर दे, कभी सो रहे देखो मत हम सूर्य पुत्र तो स्थिति ऐसी हो गई। अप्रयास से मिलती वस्तु पे अपना ध्यान नहीं जा रहा करके अप्रयास से पुष्टि मार्ग में मिल जाए तो वहां पर ध्यान नहीं जा रहा, ये एक लफड़ा है जीवन को। पर अप्रयास से मिलती वस्तु हर चीज नेसेसरी है, और प्रयास से मिलती वस्तु को नेसेसरी होना जरूरी नहीं है, वो अपनी लग्जरी है, वाकई बिना भी काम चल सके है। क्योंकि जितने दिन अपन प्रयास कर रहे हैं उतने दिन मतलब है कि वाकई बिना काम चल रहे हैं, तभी तो प्रयास कर रहे हैं। इतने दिन काम चल सकते हो तो दो दिन और पेंडिंग रखोगे तभी काम चल सकते हो। तो पर अपने को कामना या की होने के बजाय वा की ज्यादा प्रबल हो जाती है जो प्रयास से मिलते हो। अपन यू कहना औरंगजेब को रूप कुमारी के साथ ब्याह करना, वाकई उन्होंने बहुत प्रयास किए तो बड़ी कामना बढ़ गई। औरंगजेब के पास क्या लड़कियां नहीं होंगी शादी करने के लिए? वो दिल्ली में आगरा में जो बिना प्रयास के अवेलेबल थी वहां में मजा नहीं आई, प्रयास से मिले तो बड़ा भारी कामना प्रबल हो जाए पद्मिनी। तो हर वक्त मनुष्य के साथ ये चक्कर चक्कर रहे हुए है, आत्मरति अपने को बिना प्रयास के मिलिए या लिए वापस ध्यान नहीं जावे, वालिए ध्यान नहीं जावे करके वाको महात्म्य अपने को समझ में नहीं आवे। महात्म्य अपने को वही कोई समझ में आवे कि जो प्रयास सुमित हो, या लिए महाप्रभु जी ने भक्ति की शर्त में ये रखे कि महात्म्य ज्ञान से जा वक़्त तुम अपनी आत्मरति को पहचान के और अपनी आत्मा को वा परमात्मा के अंश तरीके पहचानो तो तुमको महात्म्य ज्ञान भयो। ये महात्म्य ज्ञान के बाद जो आत्मरति है वो आत्मरति नहीं रह के भक्ति बन जाए। ये महात्म्य ज्ञान के बाद तुम्हारी जो आत्मरति है वो आत्मरति नहीं रह गई, वाके बाद वो तुम्हारी आत्मरति ने भक्ति को रूप ले लिया। अब ध्यान से देखो आत्मरति महात्म्य ज्ञान फिर वासु पानो क्या है आत्मरति ही, पर वो आत्मरति अब आत्मरति नहीं होके भक्ति होगी। यही भक्ति शुरुआत में अपन को जो भक्ति को स्वरूप है वो कैसे हो गए है कि अपन ने भजनीय को एक रूप समझे। जैसे स्पष्ट तैयार कहीं अपन सेवा के घर में ठाकुर विराज रहे हैं, बाकी अपन को भक्ति कर रहे हैं। अब वो भी ठाकुर बेचारा सेवा के घर में विराज रहे है, वो प्रयास आपको मिले है या लिए वापे ध्यान जावे, पर बिना प्रयास के ठाकुर तो सब जगह विराज रहे हो, तो ठाकुर के वास स्वरूप पे अपना ध्यान नहीं जावे।
कि जो मेरा ठाकुर मेरे घर में विराज रहे है वो सर्वत्र वो ही विराज रहे है। वापे अपना ध्यान नहीं जावे, वापे अपना ध्यान नहीं जावे करके अपनी भक्ति सर्वात्म भाव में नहीं जाक्षण अपने को ये समझ में आ जाए कि मेरो ठाकुर मेरे घर में विराज रहे है। वो कौन से तरह से विराज रहे है? जैसे हवा मेरे घर में विराज रही है, मेरे घर में मुको हवा अवेलेबल है। बाकी मतलब ये नहीं कि गांव में हवा नहीं है, गांव में वही हवा है। मेरे घर में मुको सूर्य को प्रकाश मिल रहा है, या को मतलब ऐसा नहीं कि गांव में सूर्य को प्रकाश नहीं है, सारे विश्व में सूर्य को ही प्रकाश है। तो वो जा वक्त अपने को समझ में आवे तब अपनी भक्ति सर्वात्म भाव पर। अब एक बात ध्यान से समझो, जो नारायण दास की बात है, रास पंचाध्याय में महाप्रभु जी ने ये खुलासा किया बहुत सुंदर कि जिन गोपीकांत को सर्वात्म भाव हो तो उनको रास में प्रवेश है, और जिनको सर्वात्म भाव नहीं है तो काम भाव है तो उन गोपीकांत को रास में प्रवेश ही नहीं मिले। एक ये रहस्य, सर्वात्म भाव वाली जो गोपिकाएं होती मैंने जिनको भाव ऐसा हो तो कि प्रभु सर्वत्र है, सर्वेन्द्रिया स्वाद्य है, प्रेष्ठो भवान तनुभृता किल बंधु रात्मा, ऐसा जिनको भाव होते सर्वत्र भाव, उनको जो है वो प्रभु रासलीला में प्रवेश हो। जिनको ऐसा भाव होते कि भगवान एक पर पुरुष है, हम कोई पर नारी है, और ये पर पुरुष हमको पसंद आ रहे हैं, वो काम भाव, वो काम भाव वाली इनको रास में प्रवेश नहीं मिले और उनके देह छूट गया। गोकुल चंद्रमा जी रास को स्वरूप है अपन यह मान रहे हैं, उन गोकुल में ब्रह्म भाव भी है तो सर्वात्म भाव जो रास में जिनको प्रवेश है भाव भी है तो ये मैं वही पे याद है, वही विषय का ब्रह्म को मतलब क्या, जो सर्वत्र है, सर्व रूप है, सर्व नाम है, सर्व कर्मा है, वो ब्रह्म। ब्रह्म शब्द से अपन भाव बोलें कि नहीं बोलें, पर जा वक्त अपन को ये लग रहे है कि कोई वस्तु सर्वनाम है, सर्व रूप है, सर्व कर्म है, तो आप अपन ब्रह्म बोलो कि ऐसे बांट के बोलो। ब्रह्म एक शब्द हो गया, कोई वाकू एक शब्द में बोले, कोई वाकू तीन शब्द में बांट के बोलो। गोपीकांत को ये भाव हतो के नहीं, गोपीकांत ने जब ठाकुर जी ने कही कि तुम जाओ अपने घर में, गोपीकांत ने क्या वचन कहे कि यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवर्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्त्येव मे सर्व पदे त्वयीशे पृष्ठो भवान स्तनुभृतां किल बंधु। तुम ऐसे कह रहे हो कि तुम घर में जाओ क्योंकि तुम्हारे घर में पिता भाई पुत्र तुम्हारे बिना तकलीफ पाते होंगे और तुम्हारा कर्तव्य है कि उनको ध्यान दो। वो भी कह रहे हैं कि हमारे सब कछु तुम ही हो, पिता भी तुम हो, भाई भी तुम हो, प्रिय भी तुम हो, प्रेष्ठ भी तुम हो, प्रेष्ठ हो भगवान स्तनुभृता किल बंधु आत्मा अस्त्येव ते सर्व पदे त्वयि, सारे स्वरूप तेरे धारण किए हुए हैं, ये सर्वात्मा।
वाको ब्रह्म को के मत को, ब्रह्म को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ब्रह्म नहीं भी को तो बात तो वही की वही हो गई ना। जैसे दस को अपन नौ और एक के, चाहे पांच और पांच के, चाहे सात और तीन के, तो सब अलग अलग वैरायटी में अपन कह तो बात दस की रहे ना। कितने भी ढंग से वाक्य कहा जा सके, एक दस को कहने के दस तरीके। सबसे पहला तरीका एक 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 एक, फिर दो 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 दो, दस हो गया क्या? एक दस को कहने के तरीका कितने हैं? अब वो कौन से तरीका से आपको कहना पा रहे हो है दस, वो तो आपकी इच्छा की बात है। वो दस, और दस को कहने के तरीका एक नहीं, कितने सारे तरीका है। ये तो आप कभी पेंसिल और कागज लेके बैठोगे ना कि एक दस को कहने के तरीका कितने हो सके। बहुत, एक दस को कहने के तरीका है कितने सारे हैं। अपन वर्कआउट नहीं कर सकेंगे कि एक दस को कहना हो तो आपको कितने ढंग से करा जा सके। सबसे पहली शुरुआत अपने से करेंगे एक 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 दस, और बाकी वैरायटी बढ़ाते चले जाओ, अंतहीन विस्तार है। ऐसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, जैसे हरि अनंत है ऐसे हरि की कथा अनंत है, ऐसे वाकुक वर्णन करने के जो प्रकार है वो भी अनंत हो सके। पुरुषोत्तम सहस्रनाम महापुरुष ने यही भी तो कहे, तो वालिए जा बकत अपन ब्रह्म नहीं कहते, श्रेष्ठ भगवान स्तनुभ्रता चिल बंधुर आत्मा कह रहे हो, सर्वात्म भाव हो गया, ब्रह्म कह रहे हो तो ब्रह्म भाव हो गया। कहने के तरीका में अंतर आया है, कहीं जाति बात में अंतर नहीं आया है। कहने के तरीका में अंतर आ गया, वो तो जब अपन के पास कई तरीका है मौजूद है तो अपन कई तरीका से वाक्य कह भी सके, वो स्वतंत्रता तो अपने को है ना कि कौन से तरीका से कहना। जा तरीका से अपन कहें, गोपिका ने वो तरीका पसंद कियो, अस्ति एवं सर्व पदे त्वयिषे श्रेष्ठो भगवान स्तनुभ्रता चिद बंधुरात्मा। या तरीके को जिनको सर्वात्मा भाव हतो उनको रास में प्रवेश मिलो, जिनको काम भाव हतो उनको रास में प्रवेश नहीं भयो। तो ये जो गोकुल चंद्रमा जी हैं इनको अपन रास को स्वरूप माने, और इनकी रास लीला में आज अपन एक बात और समझो कि रास लीला को मतलब सिर्फ नाचना समझो। नाचना तो वह रास लीला को एक प्रकार है, रास लीला के अनेक प्रकार है, क्योंकि महाप्रभु जी ने सुबोधि में खुलासा किया है कि रसा नाम समूह हो रासा, जहाँ अनेक रस इकट्ठे होते हुए वाकु रास कहो जाए, एक रस को रास नहीं कहो जाए, रसन को जहाँ समूह इकट्ठे हो जाए वाकु रास कहो जाए। जहाँ रस को समूह इकट्ठे भयो वहाँ तो कई प्रकार हो सके ना, नाचना ही एक प्रकार थोड़ी है। तो ध्यान से समझो कि अपन अपने घर में ठाकुर जी की जो सेवा कर रहे हैं वो अपने ठाकुर के साथ एक रास लीला है या वर्तमान, पर वो क्या है कि वो सेवा इजीली अपने को अवेलेबल है करके वहाँ पे अपना ध्यान नहीं जावे कि ये रास लीला है। अपने को लगे कि कोई नाच है वहाँ पर नाम रास लीला है, क्योंकि नाचने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और घर में बेचारो ठाकुर बिराज भय आपके साथ रास लीला कर रहे हो, वेणु बजा रहे हो, बुला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ध्यान नहीं जा रहे, छप्पन हो गए तो तुरंत ध्यान जा रहे हो, चक्कर है। मनुष्य के चक्कर में ही
दिमाग में कुछ ऐसे चक्कर चलते रहे तो प्रयास मिले तो बड़ी भारी कीमत बढ़ जाए, अब प्रयास मिले तो कीमत तुरंत डाउन हो जाए वस्तु की। घर में विराजे ठाकुर अपने साथ रास लीला कर रहे, अपने लिए वेणु बजा रहे हो, बात सब जो श्रृंगार में बजावे, राजभोग में बजावे, संध्या आरती में बजावे, शयन आरती में बजावे, शैया में पौड़े तो भी वेणु साथ लेकर ठाकुर पौड़े उनके लिए। अपने लिए वेणु को ठाकुर जी इतना धारण करे तो रासलीला है वो, अपने साथ वह वेणु को बजा के अपने को बुला रहे, अपन सब देखते हैं। हमारे यहाँ मुंबई में एक मनोरंजन शास्त्री जी वीडियो वाले महाराज बता रहे थे, बड़ी मजेदार, उनके घर में कुत्ता घुस रहे थे तो कुत्ता को होड़ 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 कर रहे थे, उनके सामने ही मनोरंजन शास्त्री जी रहे, उन्होंने कही कि कृपा ना था पे मने बोझा कूतरा ने ऑर्डर करी, बोले ना ना हूँ सब जो के मने बोला गया छे। अपन समझे बुला कोई और को रहे अपन समझे के चक्कर ऐसे हो जाए, अपनी समझ खोटी हो जाए कई बार, याद तरीके की बात ध्यान से समझो कि ठाकुर जी ने गोपीकांत को तो रास लीला में बुला लियो और वो पहुंच गई, उनके लिए वेणु बजाने की अब ठाकुर जी को जरूरत ही नहीं है। यदि आठ ठाकुर जी वेणु जी धर रहे हैं दिन में चार वक्त बजावे के लिए और बिना बजावे के लिए अपने पास धर के संभाल के रखे वेणु, तो वो अपने लिए और वो अपने को रासलीला को आमंत्रण है। जब अपन ठाकुर जी को वेणु जी धराए तो वह अपने को ठाकुर जी के द्वारा दिए जाते रासलीला को आमंत्रण, ठाकुर जी ये अपेक्षा रख रहे हो कि अपन ठाकुर जी में सर्वात्म भाव रखें तो रासलीला को अनुभव होने लगे, सर्वात्म भाव नहीं रखें तो ठीक है वो वेणु जी धरा नहीं की क्रिया हो गई, बाकी हमें सर्वात्म भाव को अनुभव नहीं हो। नारायण दास के माते मेरा तो ठाकुर जी रासलीला को ठाकुर है, और या नारायण दास के ठाकुर ने नारायण दास को रासलीला को कैसे अनुभव कराया वो प्रसंग थोड़ा आज अपन देखे तो अपने को आश्चर्य हो, कैसा प्रसंग गया, कितना मीठा प्रसंग गया। नारायण दास ने ठाकुर जी को भोग धरे तो भोग धर के नारायण दास को चिंता भाई कि ठाकुर जी आरोग्य कैसे हो, नारायण दास की जो भतीजी थी वो बाल विधवा थी, वो नारायण दास के साथ रहती थी, तो आने नारायण दास की कही भाई आप तो महाप्रभु जी की गादी से भोग कर रहे हो, आपको ये चिंता क्यों होनी चाहिए, ठाकुर जी कैसे आरोग्य रहे जब महाप्रभु जी की गादी से अपन भोग कर रहे हैं तो ठाकुर जी आरोग्य होंगे, आरोग्य अपना विश्वास होना चाहिए। नारायण दास ने कही कि नहीं वो विश्वास तो है मुझको, पर कोई भगवती मेरे यहाँ अचानक बिन बुलाए प्रसाद ले वे आवे तो कंफर्म हो गए कि ठाकुर जी मेरे आरोग्य। अब रासलीला कैसी भाई देखो, नारायण दास ने गरम गरम एकदम उबली वही खीर ठाकुर जी को भोग धरी और नारायण दास को समाचार मिले कि महाप्रभु जी पधारे तो ठंडी करने को भी उनको होश नहीं रहे, जैसे गोपीकांत के भी वर्णन में यही बात आ रहा है कि दूध उबल तो छोड़ के वो रासलीला में दौड़ गई थी, दूध उफन गए, ऐसे नारायण दास गरम गरम दूध धर के और आचार्य चरण के दर्शन के लिए भागे। आचार्य चरण ने उनसे क्या कहे, का समय तेरे यहाँ, उनके भोग आए हुए हैं राजभोग, महाप्रभु जी ने चला के कहे तो मैं भी आना चाहूँ दर्शन कर,
दर्शन करें, तब महाप्रभु ने दर्शन किए कि इतनी गरम गरम खीर रख दी ठाकुर जी को, ठाकुर जी के हाथ जल रहे हैं, परिश्रम हो रहे हैं, ऐसे छींटा मार रहे हैं, उंगली से चाट रहे हैं, मतलब परिश्रम को जो प्रकार है वाकु भी ठाकुर जी मजा ले रहे हैं। महाप्रभु जी ने नारायण दास को खींच के कही कि ऐसे सेवा नहीं करनी कभी कि जा में ठाकुर जी को परिश्रम हो, अपने ठाकुर को छोड़ के। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे को अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है तुमको, अपने ठाकुर को इतना प्राधान्य महाप्रभु जी ने बताया, ऐसे मत करो, अपने ठाकुर जो तुमको मैंने पधराया है वाकू तुम अटेंड करो। आज अपन अपने ठाकुर को छोड़ के गांव में भटक रहे हैं हवेली में दर्शन करने के लिए। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि तुम मैंने पधराया है तो अभी मेरे को भी अटेंड मत करो, पहले तुम अपने ठाकुर जी की सावधानी बरतो। और महाप्रभु जी ने बाकी की सारी सेवा पहुंची ठाकुर जी में, महाप्रभु जी को खीर, महाप्रभु जी बिचारे दक्षिणी ब्राह्मण या बाजू के ब्राह्मण की आरती खीर अरोगते नहीं थे। महाप्रभु जी ने विनती करी, महाराज जाति बात है, ठाकुर जी ने कहे अरोगो जाति बात है खत्म, खीर अरोग में। और महाप्रभु जी ने अरोगी बात समझ में, ये तो सोच रहे थे कि कोई भगवती आके बिन बुलायो भगवती प्रसाद ले तो मैं मानू के ठाकुर जी अरोगे। महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को अरोगते देखियो, ऐसी खीर अरोगते देखियो कि जो परिश्रम देने वाली खीर थी। और सारे भगवदीयत के गुरु महाप्रभु जी ने नारायण दास को बोला प्रसाद दे खीर को। ये रास लीला नहीं है तो क्या है, रस को समूह नहीं है तो क्या है, यह बात को ध्यान समझो। अपन समझे नाचना ही रास लीला है तो कितनी गजब की रास लीला है भाई, कि वो सोच रहा है कि कोई भगवती बुलाए आवे प्रसाद ले तो मैं मानू कि ठाकुर जी अरोग्य। यहाँ तो खुद महाप्रभु जी खुद जाति बाधा को तोड़ के हो, जैसे श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाने में जाति बाधा तोड़ के और झूठे बेर अरोगे, ऐसे महाप्रभु जी ने नारायण दास की धरी भई ऐसी खीर जो ठाकुर जी को परिश्रम दे रही थी, पर ठाकुर जी वह परिश्रम के बाद भी अरोग रहे थे। या बात को अपने नेत्रन से निहारे और निहारने के बाद कही कि भाई ये प्रसाद हमको दे दे, कि तेरी खीर में कौन जाने क्या साध है, कि ठाकुर जी बुरो नहीं मान रहे हो तेरो, नहीं तो बुरो मानना चाहिए ना ठाकुर जी को, कैसो कैसो सेवो, महाप्रभु जी को बुरी लग रही है, महाप्रभु जी को बुरी लग रही है कि ठाकुर को ध्यान क्यों नहीं धरे हो, पर ठाकुर को बुरी नहीं लग रही है, वो कोई तरह से हाथ जल रहे हो, उंगली जल रही है, चाट रहे हैं, खीर अरोग रहे, कितनी जबरदस्त एक रासलीला ये है। और यह रासलीला पर अपना ध्यान नहीं जाए, पर ये रासलीला क्यों नारायण दास के साथ है, क्योंकि नारायण दास को सर्वात्म भाव है, और वो सर्वात्म भाव या वार्ता के प्रसंग में नहीं कन्वे हो रहे है। सर्वात्म भाव कैसे प्रसंग में कन्वे हो रहे हो, जा वक्त नारायण दास ने दर्शन किए ठाकुर जी के मंगला में और मोहक स्वरूप दर्शन कर, ये घटा बरसेगी कहाँ महाराज कहाँ बरसेगी ये घटा, ये छवि की घटा कहाँ बरसेगी, और ठाकुर जी ने कही रघुनाथ जी पर बरसेगी, उसकी बस ठीक है आपने मेरी सेवा स्वीकारी, ये रास्ता। तो नारायण दास को सर्वात्म भाव है नहीं है, सर्वात्म भाव ऐसी बात नहीं है, और वो सर्वात्म भाव अपन देखें कि पूरा आत्मरति को ही एक सर्वात्म भाव में विकास हो या तरीके से नारायण दास
एक आपको सवाल रह गया हो, महाप्रभु जी को अयाचित वृत्ति को महाप्रभु जी को और तो कहनी नहीं है, एक दिन आपने पूछे तो दूसरे महाप्रभु जी के चरित्र में जब आप परिक्रमा कर रहे थे, खास करके जब विवाहित नहीं होते तो घर नहीं कहीं परिभ्रमण करते रहते थे, वह वक्त महाप्रभु जी को अयाचित वृत्ति से भी ऊपर को एक अश्वस्तनिक उभरता
और वो अश्वस्थली की व्रत तो मतलब ये कि अयाचित भी हो तो भी कल को सामान आज अपने पास नहीं और कठोर व्रत है। क्योंकि महाप्रभु जी का जो अपन जब पृथ्वी प्रदक्षिणा कहते हैं, पृथ्वी मतलब भारत की प्रदक्षिणा है, पर भारत की प्रदक्षिणा में महाप्रभु जी को मुख्य हेतु तीर्थ यात्रा का होता है। जो महाप्रभु जी निबंध में खुद समझावे हैं कि जब ग्रह सेवा नहीं निभती हो, सबसे पहला कल्प समझावे हैं कि जासु ग्रह सेवा नहीं निभती हो, वाकु अपने घर में स्मरण को क्रम रखना चाहिए। मैंने पठेच नियमन कृपा श्री भागवत तो वो जब जब महाप्रभु जी चतुर्श्लोकी में भी आज्ञा करें कि स्मरणम भजनम चापि न त्याज्य, तो भक्ति भजनी में जाके आज्ञा करें कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवे यावत जीवन तस्य नाश न पापी दिवते। तो सेवा भजन अथवा कथा स्मरण ये साथ निभते हुए उत्तम कल्प, साथ नहीं निभते हों तो इनमें से एक कोई कल्प तो निभाना ही चाहिए। और सेवा को कल्प नहीं निभते हो तो कथा स्मरण को कल्प निभानी चाहिए। जब बात को श्री गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका में विस्तार से बताया है तो यात्रा के दरमियान महाप्रभु जी के माथे पूजा के ठाकुर जी को भी रास्ते थे जिनको नित्य पूजन करते। पूजा का क्रम बहुत सरल है, सेवा का क्रम थोड़ा कठिन है। अपन ये लोग यूँ सोचे हैं कि सेवा सरल है पूजा कठिन है, दरअसल पूजा का क्रम बहुत सरल है। और क्योंकि पूजा जो है थोड़ी सी देर हुआ है, लंबी में लंबी पूजा भी थोड़ी सी देर हुआ है, जैसे पूजा की रेंज इतनी बड़ी है जैसे या को स्टार्टिंग पॉइंट है सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणी समर्पयामि नमस्कार, गंध अक्षत पुष्प चढ़ाए और नमस्कार की हो बस पूजा, ये ग्राउंड पॉइंट है पूजा का। बहुत सारी पूजाएं बस इतनी हो, मैं गंधाक्षत पुष्प चढ़ाए नमस्कार की हो तो पूजा हो जाए। फिर पंचोपचार हो गए, षोडशोपचार हो गए, 32 उपचार को हुए, 64 उपचार को हुए, ऐसे बढ़ते जाए तो पूजा का क्रम फिर बहुत कठिन हो जाए, सेवा से भी कठिन हो जाए। पर सामान्यतया छोटे से पूजा के क्रम में षोडशोपचार पूजन ज़्यादा पॉपुलर कहवा। ऋषि हरिराय जी ने भी भागवत को षोडशोपचार पूजन करना ऐसे काको ग्रंथ लिख कर जो मिले भी हैं छपे गए हैं। आजकल तो पद्धति नहीं रही है, पुराने जमाने में क्या होते हैं जैसे नवरात्रि के में मूले नावा ये देवी श्रवणे न विसर्जये मूल नक्षत्र में सरस्वती को पूजन हो तो श्रवण में वाको विसर्जन हो तो विचार पूजन में ज्यादा नहीं।
सब ग्रंथ हैं पुराने जमाने में, ग्रंथ क्या होते हैं, बरसात बीत जाती ग्रंथन को धूप लगा के फिर से नए बांध के पदरा दिए जाते हैं एक के और चार दिन तीन दिन वो पूजन होते होते सभी घर में होते थे पहले, आजकल खत्म हो गई पद्धति, शायद कोई को पता भी नहीं होगी कि ऐसा होते थे। अपने अभी महाप्रभु जी के ग्रंथन को भागवत को वेद को उपनिषद को सबको पदरा के पुस्तकों को सरस्वती पूजन होते थे। तो सरल हो गया, ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मिनट बस, ज़्यादा पूजन का प्रकार है नहीं। वैसा प्रकार महाप्रभु जी के पूजन का प्रकार के शालिग्राम जी विराजते हैं, उनको पूजन करते हैं, जैसे श्री जी महाराज सलेमाबाद में कैसे कंठ में धारण कर रहे तो महाप्रभु जी कंठ में धारण करते थे शालिग्राम जी को। पूजा करने के लिए पधरा के सामने पूजा करिए, पूजा करने के बाद फिर कंठ में धारण कर सेवा को क्रम नहीं। तीन अपनी प्रदक्षिणा के दरमियान महाप्रभु जी के सेवा को क्रम नहीं, सेवा को क्रम महाप्रभु जी को जब ब्रह्म संबंध की आज्ञा भई, जब महाप्रभु जी 30 बरस के थे तब से सेवा क्रम शुरू हुआ, और जब ब्रह्म संबंध की आज्ञा भई और सेवा क्रम शुरू हुआ तब फिर महाप्रभु जी ने उचित समझो थे आपको ब्रह्मचार्य छोड़ के और गृहस्थी बने। 30 वर्ष की आयु में महाप्रभु जी गृहस्थी बने, फिर अड़ेल जाकर बसे। तब तक महाप्रभु जी ने तो तीर्थ यात्रा को क्रम रखे थे, तो एक तो पूजा और स्मरण को कथा स्मरण को कल्प रखे थे, एक वो विष्णु पूजा को जो शास्त्र तो अनिवार्य रहती बाबा का सब विष्णु, तीसरो महाप्रभु जी ने तीर्थ यात्रा को क्रम रखे थे, क्योंकि महाप्रभु जी को आज्ञा करा कि जैसे घर में सेवा नहीं मिलती हुए कोई भी कारण से तो आपको फिर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। आज तो हम गुसाइयों ने तीर्थ यात्रा को धंधा बना रखे है और कहा था धंधा के रूप में तीर्थ यात्रा करें, पर वह जमाना में महाप्रभु जी धंधा की तो बात छोड़ दो, इतने कठोर नियम से तीर्थ यात्रा करते थे कि कल जो भोजन करना है वहाँ को अनाज आज अपने पास नहीं होना चाहिए, कल अयाचित मिले तो खाना, नहीं मिले तो भूखे रहना। अश्वस्तनिक व्रत वाको कह दिया, श्वस्तन मने कल को, कल को आज नहीं रखना। वो महाप्रभु ने नियम भी लिखा है कि तीर्थ यात्रा करनी हो तो अश्वस्तनिक व्रत रखना चाहिए, और महाप्रभु जी क्योंकि घूमने के लिए नहीं घूमते थे, तीर्थ यात्रा के क्रम से घूमते थे, और वहाँ में महाप्रभु जी ने स्पष्ट के सिद्धांत बताया है कि गृह सेवा अपने से नहीं मिलती हो तो छो तीर्थ यात्रा को क्रम है, और उत्तमोत्तम में इतना यदि कुछ नहीं नित्य हो तो तीर्थ यात्रा करते रहना व्यक्ति को। वहां में पाछे यह लिखे है कि तीर्थ यात्रा में तीर्थ से मिलते भय पुण्य के लाभ को प्रयोजन नहीं रखना चाहिए, पर कृष्णानुभूति को प्रयोजन रखना चाहिए, कि जैसे कृष्ण ये तात्पर्य न तो तीर्था दो, कृष्ण में तात्पर्य रख के तीर्थ में परिभ्रमण करना, ये महाप्रभु जी को संदर्भ। वो तीर्थ परिभ्रमण जो है वो धंधा नहीं होना चाहिए अपनों, क्योंकि आज तो गुसाइयों को और वैष्णव को कहें तो मिर्ची लग जाए या बात की। शास्त्र में यह बात को स्पष्ट विधान के कि तीर्थ यात्रा के दरमियान जो ब्राह्मण पराय धन मांगे है वो अपनी माँ के साथ वो विचार कर, तीर्थ यात्रा को कभी अपनों पेट भरने को साधन नहीं करना चाहिए। ये तो
महाप्रभु जी के विचार इनके दुर्भाग्य है कि आज उनके सब वंशज तीर्थ यात्रा के नाम पैसा बटोर रहे हैं। एक एक ब्रज यात्रा में 25-25, 30-30 हज़ार एक सौ में VVIP, VIP सब बना रहे हैं, सिवाय धंधा के और कोई हेतु ही नहीं रहे तीर्थ यात्रा में। कृष्ण उनको भी भाव है, दोनों की मिली भगत हो गई है तो क्रम चल रहे हो गति। तो माँ के साथ वे विचार को आप बता रहे तीर्थ यात्रा के व्यास पैसा वाक्य लिए महाप्रभु जी को अश्वस्त निक बोला। वो अयाचित सु भी थोड़ो एक कदम आगे को जब सेटल्ड हो गए महाप्रभु जी अड़ेल में, फिर वो अश्वस्त निक महाप्रभु जी ने छोड़ दिए। तो मैंने अयाचित को संग्रह हो सके ना, अश्वस्त निक वृत्त में तो संग्रह ही नहीं हो सके, संग्रह निषेध। वाह कठोर बुद्ध से महाप्रभु जी ने तीर्थ यात्रा करी थी। आज तो महाप्रभु जी के वंशजन को मैंने सुनने में भी कान में सुई की तरह चुभेगी, इतनी खतरनाक बात है। क्योंकि तीन चार धंधा हम लोगों के मुख्य हैं, एक ठाकुर जी के मनोरथ करना, छप्पन भोग, एक भागवत कथा बैठा, एक तीर्थ यात्रा करवाना, और एक चौथा धंधा यहाँ तो नहीं है। आप लोग अभी बचे भयो, महाप्रभु जी कृपा आप लोगों पर। वहाँ सौराष्ट्र गुजरात में एक चौथा धंधा और है, माला पैरामनी। माला पैरामनी को धंधा भी बड़ा प्रॉफिट का धंधा है, कोई भी मर जाए बाकी माला पैरामनी। तो क्या एक एक पद बोले जाए, एक एक पद बोले जाए, एक एक पद पर फिर बाकी बोली बोले, बोली बोले वह में कोई पांच बोले तो वह में बढ़ के 10 बोले, जो 11 बोले छले जो सबसे बढ़ के बोली बोले बाकी फिर जय जयकार हो जाए। जैसे रामेश्वर जी ने 51 बोल दिया, फिर वल्लभाधीश की जय, श्रीनाथ जी की जय, यमुना जी की जय, रामेश्वर लाल जी ने 51 रुपया बोल दिया, चलो बस तो एक एक पद की हो पाची आखे पद की नहीं, एक कड़ी बोले बाकी बोले प्रॉफिट कर देता है। तो विष्णु में ऐसा भूत भर गया, तो माला पैरामनी नहीं करो तो तुम्हारे पूर्वजन को ऐसो गोलोक में स्थान ही नहीं मिले, डर के हमारे सब विष्णु माला पैरामनी करा रहा गोलोक में सुरखड़ न जाए। खूबसूरती पाची है कि कोई बालक की माला पैरामनी हो ही नहीं है, खाली वैष्णव की हो है। बालक के कोई जाने कहाँ जाने वाले हैं, नरक में के स्वर्ग में पता ही नहीं चले। या तरीके के धंधा है, बड़ा भारी धंधा है माला पैरामनी का। आजकल अब वो गोकुल ले जा मैं माला पैरामनी करने के लिए, बड़ी बैठक बहुत चिक्कार धंधा है। तीन चार धंधा हम लोगों को एकदम माफक आ गए हैं, गुसाइयों को छप्पन भोग करवा दें, जैसे शादी ब्याह करवानी है पैसा नहीं हो, एक छप्पन भोग घोषणा कर दें बेटी को ब्याह हो जाए, अभी हम लोग ब्रज यात्रा उठा दे तो घर खरीद ले, नया घर ले लो, एक भागवत सप्ताह बैठा दें। ये सब धंधा के सब हमारे हथकंडा हो गए, पर महाप्रभु जी के ऐसे हथकंडा नहीं लगते। अश्वस्त अनेक मृत्यु से महाप्रभु जी यात्रा करते थे, फर्क इतना हो गया 500 साल में। तो अयाचित सु भी ज्यादा कठोर बात होती है, पर हमें समझने की एक बात यह है कि अश्वस्तनिक व्रत कोई को भी रखना चाहिए जो तीर्थ यात्रा करे, पैसा से करते हो पर याचना से करते हो तो अश्वस्त निकट से करना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे आप अपने पैसा से तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो अश्वस्त निकट की जरूरत नहीं है, पर जैसे याचना से कर रहे हो या अयाचित कर रहे हो तो अश्वस्त निकट करना चाहिए। दो दिन भी आपको नहीं कुछ मिले
भूखे रहने की तैयारी होनी चाहिए। तो ये तो मैं आपको जो प्रश्न तो आपको सुन सकती हूँ, पर जो अपना वो विषय चल रहे हो तो वो विषय ये तो कल को कि अपने यहाँ सीधी रेखा नहीं है, चक्रवत है सब, और वह चक्रवत में मैंने आपको कल शरणागति और आत्मसमर्पण की, आत्मरति की बात बताई थी। शरणागति कैसे, शरणागति चक्रवत है पाछी, और अपनी भक्ति जो है वो कैसे चक्रवत है, आत्मरति से प्रकट होकर फिर पाछी आत्मरति में ही वो खिले है, परमात्मरति में खिले है। या तो जैसे अपन सीधा से एक समझ सकते हैं कि एक बीज सु एक अंकुर फूटे, वृक्ष बने, पत्ताएं आवे, फल आवे, फूल आवे, फल आवे, वहां में से फिर पाछो बीज बन जाए, वो चक्र कैसे चलते रहे। ऐसे अपने यहाँ साधना को भी चक्र माने हुए है, वो कल में बात आपको समझा रहे थे। और वह चक्र की सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखो एक अपने यहाँ की ये है कि जैसे महात्म्य ज्ञान मैंने कल आपको बताया, तो महात्म्य ज्ञान एक तरह से शरणागति में अपने को सहायक हो रहा है कि प्रभु को महात्म्य अपने जाने, प्रभु को महात्म्य जान के और अपन ने साधनाभिमान छोड़ो, और साधनाभिमान छोड़ के और अपन ने प्रभु को शरणाभिमान किया, तो जब शरण को अपन ने वो अभिमान किया तो अपन की शरणागति हुई। अभिमान को मतलब घमंड मत लीजिए, अभिमान के दो मतलब हो रहे हैं संस्कृत भाषा में, या को अपन अभिमति अभिमत कहें ना, जैसे मेरी मेरी अभिमति ये है, मेरो अभिमत ये है, वो अभिमत शब्द ही अभिमान है। आपको अपन जरा जोर से बोले तो वो अभिमान लगे, समझ के अर्थ में दैन्य से बोले तो अभिमति कहवा रहे, मेरे की मेरी समझ। अभिमति का मतलब क्या कि मेरी समझ ऐसी है या बारे में मेरो अभिमान ऐसा है, बात समझ में। अभिमान को एक अर्थ वो अहंकार हो गया है, पर वो शब्द को आगे बढ़े हुए अर्थ है। मूल में अभिमान शब्द को भी अर्थ इतना ही है जैसे प्रमाण सम्मान, तो मान को मतलब मानना, हिंदी भाषा में अपन जाकू मानना कहे ना, भाई मैं क्या मान रहे हूं, तो कोई को अच्छी तरह मानना वो आपको सम्मान है। कोई वस्तु को सिद्ध करने के लिए कोई ऐसा मान आप बता रहे हो कि जो प्रमाण कहा जाए, तो प्रमाण सम्मान। ऐसे ही अभिमान, अभिमान का मतलब क्या कि कुल आपको मानना क्या है। अब वो कोई व्यक्ति कुल अपने आप में अपने को ही सब कुछ मानते हो तो वो अभिमान है, वाको वार्थ में फिर अभिमान को अर्थ बदल के अहंकार हो गया। मूल में अभिमान शब्द को पहलो अर्थ अहंकार नहीं हो के पहलो अर्थ है आपको अभिमत क्या है, आपकी अभिमति क्या है, आपकी समझ क्या है। तो साधनाभिमान मतलब मेरी समझ ये है कि मैं साधन कर रहे हूं। शरणागति का मतलब क्या कि मेरी समझ ये है कि प्रभु मुझसे साधन करवा रहे हैं, तो वह शरण को अभिमान हो गया। जब मैं सोच रहा हूं कि ये साधन मैं कर रहे हूं तो वो मेरा अभिमान हो गया, साधन को अभिमान हो गया। जब मैं ये सोच रहा हूं कि नहीं प्रभु मुझसे करवा रहे हैं तो प्रभु के शरण को अभिमान हो गया। एक सामान्य बात बताऊं आपको, अपनी व्यक्तिगत बात है, खाली उदाहरण के तौर पर,
कि जैसे मैंने शास्त्र पढ़े हो, शास्त्र पढ़े हो तो कुछ अभिमान हो जाए। तो हमारे घर में हमारे जितने भाई थे कोई ने शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, ये मुकु मेरे बारे में पढ़ाई को अभिमान हो गया। तो जब मैं देखू हूं अपनी बाल्यावस्था की सारी हिस्ट्री, तो मुझको ये अभिमान तो स्कोप ही नहीं मिले, नहीं देखू तो मिले स्कोप क्यों? एक बात ध्यान समझ, कि मैं अच्छी तरह से मुझको याद है कि बचपन में दादाजी ने हमको खेलवे के लिए एक भी खिलौना कभी दिया नहीं। बड़ी गुस्सा आती दाई जी पर, क्योंकि हमारे सब चचेरे भाई उनको सब के हमारे काकाएं खिलौना ला के देते, दाई ने उनको कभी खिलौना नहीं दिया ही नहीं हो। हम खिलौना खेलने के लिए चचेरे भाई उनके साथ चापलूसी करते हो, क्योंकि खिलौना हमारे पास होते ही नहीं, तो दादाजी दिवाते नहीं। जब भी पूछो तो कहते पुस्तक ले जाओ, जब भी कुछ हो तो पुस्तक पढ़ो। अब देखो मैं अभिमान करूं कि मैंने पढ़ो, पर दादाजी की प्लानिंग ऐसी होती, बात समझ में आई ना? यदि हमको दादाजी ने ऐसे ही खिलौना दिए होते तो हमारे भी बचपन खेलने में बीत, तो हमारे भी बचपन खेलने में बीत, काय को पढ़ते? मन लग गया खेलने में तो पढ़े क्या बच्चा? तो हमको खेलना खेलने के लिए दे ही नहीं। वैसे कभी दादाजी जोर जबरदस्ती नहीं करते, ऐसी कोई चीज हमको दिवाते ही नहीं कि जासू पढ़ाई छोड़ के और कोई में मन लग सके। कभी कहवे जाते ना, मैं दाई जी को आपको बताऊं आदत कैसी होती, कमियों कहते कि दाई जी कपड़ा नहीं है, तो जो नहीं है सो कह लो। दाई जी दूध के लिए पैसा चाहिए, दाई जी कहते दूध कोई दिन तुमने मुँह को पीते देखे? दाई जी दूध पीते देते, दूध के पैसा भी नहीं देते। कमियों कहते दाई जी ये पुस्तक बहुत अच्छी आई है, तो कितने की है? इतनी महंगी है हमसे तो नहीं कहे। अरे तू मेरो बेटा हो के ऐसे बोले? पैसा तो हाथ को मैं ले, अब भी जा अभी ले के आ। अब देखो बात समझ में आई ना? अभी हमें ये बातें सोचे कि कैसे दादाजी ने हमको टेकल कियो, आज की तारीख में अभिमान को कोई विषय ही नहीं है। याद करे तो टेकल करो बच्चा को, तो अपने आप पढ़ेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? कॉर्नर कर दियो ना, ढाका डाल के, जैसे शेर को कॉर्नर करे जाते हो, वहाँ से ढोल बजा हुआ है, यहाँ से ये करा है, वो शेर बेचारा हाका के कारण निकल गया है बाहर। ऐसे हाका डाल के कॉर्नर कर गया दादाजी ने। वासु पढ़ाई में रुचि भाई, और मुझको खुद को याद है कि एक दिन एक पुस्तक खरीदनी थी, मेरे को बहुत दिल में उदासी हो गई, क्योंकि वह जमाना में वो पुस्तक 500 रुपये की थी, ये बात मैं आपको 50 की बता रहा हूँ। मेरे पास 500 रुपये आते नहीं, एकदम उदास चेहरा बना के बैठ गए। दाई ने कही कैसे क्या बात है, कैसे तू ऐसे उदास बैठे हो? ये पुस्तक बहुत अच्छी आई है, 500 रुपया कहाँ से लाना? अरे तेरे को शर्म नहीं आवे मेरे बेटा हो कैसी बात करते? 500 रुपया हाथ को मैं ले, अब भी जा गाड़ी में जा लेके आ। दूध के लिए मांगते थे, कोई दिन देखे दूध पीते? याद है खिलौना तो कभी दिवाया ही नहीं आज तक, मैंने आज तक मुझको नहीं याद है कि दाई ने एक खिलौना हमको दिवाया और प्यार से। बहुत गुस्सा आती बचपन में, क्योंकि सब भाइयों को देखते खिलौना मिलते तो खिलौने नहीं मिलते। पर आज समझ में आ रहा है कि नहीं खिलौना मिले करके वो हैबिट ही नहीं पड़ी, पढ़ने की हैबिट पड़ी। तो अभिमान तो क्या विषय है?
अब आप सोचे भाई संगीत आ गया है, भाई संगीत या लिया है, क्योंकि हमारा जो रूम है तो बड़े मंदिर में हमारे रूम के बाजू में हमारे काका को रूम है, तो दिन भर संगीत बजाते रहते हैं, हम छोटे छोटे वहाँ जाकर बैठ के देखते सुनते रहते हैं। वासु संगीत आयो, अपन समझे कि मुकु संगीत आवे ये अभिमान है, पर जब हिस्ट्री में जाके देखें तो हमारा रूम और हमारे मुकुंद काका को रूम आमने सामने होते, वो दिन भर बैठ के संगीत बजाते, हमको कोई धंधा नहीं होता, क्यों खिलौना तो मिलते नहीं, तो करना क्या, मुकुंद काका के पास चलते बैठो, मन तो लगा है ना बच्चा कहीं, तो बैठते रहते। मुकुंद काका कहते चलो तानपुरा बजाओ, चलो तबला बजाओ, वो बस वाकई कारण संगीत आ गई थोड़ा। अब हमें अभिमान कैसे कर सके कि हमको आ गए, पूरी जो परिस्थिति होती वाक्य कारण आयो, हमें अभिमान का विषय नहीं है। ऐसे अपन हर अपनी चीज को देखे ना कि कौन सी चीज अपने को आई है, तो कैसे आई है, कहाँ से आई है, तो जो भी कुछ अपन अभिमान कर रहे हैं ना वाक्य अहंकार कर रहे हैं, वाक्य अहंकार के कारण एकदम ऐसे बालू के किला की तरह ढहते हुए मिले हो, वो नहीं सोचे तो बड़ा भारी किला बालू को जबरदस्त खड़ो हो जाएगा, हाँ ये हमको आवे, ये हमको आवे, ये हमको आवे, कुछड़ी से जा रहा है भाई। पर इतिहास देखो ना अपना बचपने को, कि कौन से इतिहास में से तुम गुजरे हो, तो पता चल जाएगा कि वह इतिहास से गुजरे तो जाएगा कहाँ बच्चा, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो अभिमान अब सोचे तो यूँ नहीं लगे कि भाई ये अपने को आवे, पर ऐसा लगे कि जहाँ परिवार में बड़े हुए वह परिवार में ये चीज़ आनी होती, क्योंकि परिवार में ऐसे सब बातें होती कि कोई पेंटिंग में रस लेते थे, कोई म्यूजिक में रस लेते थे, कोई शास्त्र चर्चा में रस लेते थे, वह परिवार में पैदा हुए तो रस आ गया, और वह परिवार में जिनको खिलौना दिवाए गए उनको नहीं पढ़ने की मनाई, तो उनको और विषय अच्छे आ गए। तो बहुत सारी बात अपन साधन को अभिमान अपना प्रबल हो जाए कि ये साधना तो मैं कर रहे हूँ, जैसे दिन में सो सवा लाख गायत्री को जप मैं कर रहे हूँ, तो होम मैं कर रहे हूँ, तो त्याग मैं कर रहे हूँ। अरे भाई त्याग मैं कर रहे हूँ तो त्याग करने को मतलब कैसे ढंग से तुम्हारे में त्याग की जमी, वाको इतिहास देखो ना, तो सारा त्याग को अभिमान ठप हो जाए। तो अपन अपना देखे नहीं इतिहास करके अपने को अभिमान हो जाता है, मूल एक बात समझिए। तो जैसे ये अपनो अपने परिवार पे अपन परिवार अपना एक शरण हुए है हर बच्चा को, अब परिवार अपने खून को परिवार हुए के दोस्त को परिवार हुए, पर जो जा परिवेश में रह रहे हो है वह परिवेश में वो व्यक्ति पनप है, वह परिवेश में वो व्यक्ति पनपने के कारण वह तरीके को वह को हो जाए। जैसे आप लोग देखो कि यहाँ मरुभूमि में वो जो थोड़ को झाड़ पनपे ना, वह पानी मिले नहीं, पानी नहीं मिले तो थोड़ को झाड़ क्या करे, अपने पत्ता में इतना पानी संग्रह करके रखे कि डेढ़ साल दो साल भी बरसात नहीं पड़े तो नुकसान नहीं हो। जो नदी किनारा के पेड़ों हैं उनके पत्ते कितने पतले हुए हैं, कल बरसात नहीं पड़ी तो आज वो सूख के खत्म हो जाए। जमीन की घास देखो, बरसात पड़े आखिर जमीन हरियाली हो जाए, बरसात बीती नहीं और एक डेढ़ महीना में सब हरियाली सूख साख के सफा हो जाए, क्यों, क्योंकि वो बरसात के कारण वो भय हैं, उनको पता है थोरन को कि यहाँ बरसात पड़ने वाली नहीं है, तो वो अपने पानी को संग्रह अपने में करें, जहाँ पानी ज़्यादा मिल रहे हो वो पानी को संग्रह खुद नहीं करे, क्योंकि परिवेश हुआ को पानी मिल रहे हो। जैसे ऊँट के लिए भी ऐसे कह जाए ना, क्योंकि कोठली में कहीं पानी भरे भरे हुए है, क्योंकि वो डेजर्ट को प्राणी है। तो हर वक्त जा वक्त अपन अपने परिवेश को अपन देखें ना, तो अपने को साधनाभिमान को सारो अपना जो प्रोग्राम है वो ठप होता दिखे। और जब अपन अपने परिवेश को नहीं देखें और अपने को देखे हैं, तो अपने को हर चीज को अपने को साधनाभिमान हो जाए, मतलब कुछ है सुंदरता को होए, विद्वत्ता को होए, धनों को होए, प्रभाव को होए, शक्ति को होए,
ऐसे हर तरीके को अभिमान अपने भीतर बढ़ते जाए, तो अपने भीतर साधना भी मान जो है वो बढ़ गयो है, तो अपन शरणागति नहीं लेंगे, और शरणागति ले रहे हैं तो साधना भी मान अपना ठिकाने पर पड़ जाए। शरणागति को मतलब ये नहीं है कि साधना चरण छोड़ देना, शरणागति को मतलब ये नहीं है कि जो अपन साधना कर रहे हैं वो करनी नहीं। तो जो अपन साधना कर रहे हैं वो साधना वस्तुतः अपन अपने दमखम पर नहीं कर रहे हैं, अपना वाद तरीके को कोई प्रोग्राम है। जैसे कंप्यूटर को आप अच्छी तरह से समझ सको, ये जैसे यह वीडियो कैमरा को आप देखो, तो ये सुन भी रहे है देख भी रहे है। अब ये वीडियो कैमरा अभिमान तो नहीं कर रहे है कि मैं सुन भी रहे हूँ देख भी रहे हूँ, पर क्योंकि या को बनाने वाले ने या को प्रोग्राम ही ऐसा बनाया है कि देख भी सके है और सुन भी सके, नहीं तो सुनने वालों माइक हो है, देखने वालों लेंस हो है, जो देखे ऐसा सुने नहीं है, जो सुने ऐसा देखे नहीं है, ये दोनों कर है। क्यों? क्योंकि बनाने वाले ने या को वात तरह से प्रोग्राम किया है, ऐसे बनाने वाले ने अपने को जा तरह से प्रोग्राम किया है। वह बात को अपन विचार करें तो अपना साधना अभिमान कमजोर हो जाए, अपने को ये बात समझ में आए कि भाई ये जो साधन मैं कर रहे हूँ ये मैं अपने दमखम पर नहीं कर रहे हूँ, पर प्रभु मुझसे करवा रहे है, या को नाम शरणागति। समझ में आया? शरणागति का मतलब ये नहीं है कि साधन नहीं करना, शरणागति को मतलब ये नहीं कि भगवान के माथे गले पड़ दो कि अब तो तुम ही बचाओ, अब हम कुछ नहीं करेंगे, या को नाम शरणागति नहीं है। शरणागति का मतलब है कि अपन जो साधना कर रहे हैं वाको अभिमान खुद के नहीं करके भगवान के प्रति वाको आभार मान लो कि भाई भगवान मुझसे ये साधन करवा रहे हैं, तो बस आपकी शरणागति सिद्ध हो गई। अब एक बात ध्यान समझे को, जब या तरीके की शरणागति सिद्ध हुई, ये कब सिद्ध होगी कि जब आपको अपनों अपने आत्मा के ज्ञान के बजाय प्रभु के महान आत्मा होने को महात्म्य को ज्ञान होए तो शरणागति सिद्ध हुए। तो महात्म्य ज्ञान प्रभु की शरणागति में साधक हुए है, और वो साधक हुए वाके बाद अपना क्रम क्या है शरणागति को कि विवेक, विवेक मतलब क्या, विवेकस्तु हरिसर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, प्रभु अपनी निजेच्छा सु सब करेंगे, वहाँ में अपनी चलने वाली नहीं है। ये एक वक्त विवेक भयो तो वह विवेक होते ही अपने को शरणागति के लिए प्रेरणा मिले। अपन क्या कर रहे हैं, क्यों शरणागति नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको महाप्रभु जी ने कारण बताया कि अपन को थोड़ो भी दुख हो गए है तो अपन क्या है कि प्रभु के साथ हर वक्त कुछ न कुछ बिजनेस करने के मूड में रहे हैं। यस्त आशीष आशास्ते न सब वृत्ति सवई वाणी। अभी हम जोधपुर गए तब हमारे जो वकील हमसे सवाल जवाब कर रहे हो तो उन्होंने बहुत मज़ेदार बात बताई, मानी कही कि पहले तो माफ़ी मांगी मुझसे कि महाराज जी बुरा मत मानना, मेरा तो पैसा है वकील का तो पूछना तो पड़ेगा ही आपसे। उनकी पूछो वो तो आपको कर्म है, तो धीरे से बोले हो कि मैं एक सच्ची बात बताऊं कि महाप्रभु जी के ये सब कोर्टबाजी कर चल रही है वाक्य कारण महाप्रभु जी के ग्रंथ पढ़ने से मेरे को बड़ा फायदा हुआ। मैं ऐसे समझो कि कुछ महाप्रभु जी के सिद्धांत समझ में आए होंगे, वक्त वहाँ ने एकदम ही ऐसे एकदम भीत भड़ा का छोड़ दिया। मैं साइकिल पे घूमने वाला आदमी, मेरे को कार मिल गई। जज बैठे तो आने के तो भाई तुम्हारी महाप्रभु जी की ये झगड़ा को सुन के मेरा तो तबादला हो गया, मैंने कि वो महाप्रभु जी के कारण नहीं हुआ होगा। तो जज ने वाकू कह तो तुमने तो नहीं करवाया कहीं। देखो आदमी को हर वक्त मैंने महाप्रभु जी को सिद्धांत विचार इनको समझ में भी कार मिल रही है, ये वक्त फायदा लग रहा है। महाप्रभु जी का सिद्धांत कृष्ण भक्ति करनी है वाली नहीं
अच्छा लग रहा है, महाप्रभु सचमुच में बहुत बड़े आचार्य थे, उनके सिद्धांत पढ़ रहा हूँ तो कार मिल गई। और मेरी माँ ने आज मुझको भेजा है कि ये तो सिद्धांत पढ़ने से तो कोर्ट के बहाने, सिद्धांत पढ़ने से तेरे को कार मिली, और श्याम मनोहर जी से तू जो चर्चा करेगा उसके बाद सात पुरखे तेरे कारण पहचाने जाएंगे, ऐसा फायदा। मैंने कहा भाई मैं उसकी गारंटी तो नहीं ले सकता। आदमी हर वक्त या तरह से कोई न कोई तरह से अपने स्वार्थ में ही सिद्ध करने में लगे रहे, जरा भी कष्ट सहन करना आदमी को वृत्ति नहीं है, करके आश्रय छूटते हो गए। जाको आश्रय हुए है वाके लिए महाप्रभु जी ने कही कि दुष्ट सहना धैर्य आमृते सर्वदा सदा अशक्य वा सुशक्य वा सर्वदा शरणम हरि। तो ये विवेक और धैर्य सूख रख के और अपन ने आश्रय कर लो, पर ध्यान से देखो कि आश्रय दृढ़ होएगो तो विवेक धैर्य होएगो, तो विवेक धैर्य और आश्रय को पाछे चक्र है कि विवेक धैर्य सु होएगो तो आश्रय सिद्ध होएगो, और आश्रय सिद्ध भयो तो आपको विवेक और धैर्य निभेगा, और आश्रय आपको डगमगु हो रहा है। अभी समझो क्या वो जज ने बेचारे ने कह दी कि भाई तुम्हारे झगड़ा सुनते मेरे तो तबादला हो गया, मेरे का प्रमोशन भयो। अब समझो कि या के भी कार को कुछ लफड़ा हो जाए तो फिर महाप्रभु जी का सिद्धांत पसंद आना बंद हो जाएगा। हमारे मैंने आपको बताई थी ना बात, हमारे बड़े मंदिर में एक राय साहब रहते थे जबलपुर के, वो रोज दर्शन करने आते ठाकुर जी के, रोज दर्शन करने आते, बहुत भाव से ऐसे करते थे नो करते। उनकी राय साहब ये क्या है आप ऐसे कैसे नमस्कार करते हो? बोले नमस्कार तो क्योंकि भगवान है तो करना ही पड़ेगा ना, मगर इतने दिन से नमस्कार कर रहे हैं कुछ फायदा तो होता नहीं इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ठीक है नमस्कार भी करते और झटका भी लगाते करते तू ऐसे करते। ये एक अंदाज है नमस्कार को कि इतने दिन भगवान हो या नहीं नमस्कार तो करना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ पर भगवान होते हुए कुछ फायदा तो दिला नहीं रहे हो, तो क्या बात की भगवान हो तो आपने झटका और भगवान को दिखाया, इतनी बेकार की बात है। तो राय साहब को ऐसा मारते हैं हमारे यहाँ, नियम से मंगला के दर्शन करने आते बात मिथिला बड़े मंदिर में नमस्कार बड़े भाव भक्ति से, एक झटका भी कितनी फिर पाचो कस के एक झटका देते। तो ये एक रहस्य समझो कि आदमी या तरीके की भक्ति तो बहुत कर सके, पर ये भक्ति जो है ना भक्ति है कि भगति है ये पता नहीं चले, भक्ति और भगति में कुछ थोड़ा अंतर है। या ये महाप्रभु जी अपने को समझा रहे हैं कि बीज भाव यदि अपने भीतर है भगवान को निश्चल निरुपाधिक भजने को, बीज भाव है या को अपने यहाँ वरण कह जाए, तो भगवान ने अपने वरण कियो होए तो अपने भीतर बीज भाव है, और बीज भाव है तो अपने को प्रभु में या तरीके की रुचि होगी कि भाई मेरे जो दुनिया के मेरी आकांक्षाएं हैं मेरी इच्छाएं हैं आपको मैं दुनिया के ढंग से फोड़ूंगो पूरी करूंगो, पर तेरे साथ मेरा संबंध इन बातों को लेकर नहीं है, तेरे साथ मेरा संबंध तेरे को चाहने के लिए है। तो जब या तरीके की जब प्रभु की चाहना से अपन भक्ति कर रहे हैं तो वो प्रेम आसक्ति व्यसन में खिले है, प्रेम आसक्ति व्यसन में खिले तो महाप्रभु जी भक्त क्या आज्ञा करें ध्यान से देखो कि बीज दार डे तब जाके हो है। जब अपनो व्यसन यदा सा व्यसन कृष्ण कृतार्थस्या तदै वही बीज भाव अपनो तब दृढ़ हो जाए, तो शुरुआत में बीज भाव है और भक्ति की प्रेमा शक्ति व्यसन अवस्था के बाद वही बीज भाव को पाछी दृढ़ता है। यही तरह से आप देखो कि जो अपन सेवा कर रहे हैं तो जो अपन सेवा कर रहे हैं वहां में महाप्रभु जी ने क्या रखे है कि भाई सेवा करने में सबसे पहले आपको अपनी अहंता प्रभु के साथ जोड़नी चाहिए,
अहंता कैसे जुड़ेगी? अहंता या तरह से जुड़ेगी कि आपको अपने जात की अहंता है, अपने संबंधन की अहंता है, अपने समाज में जो आपको रुतबा है वह रुतबा की अहंता है, आपको जो ज्ञान है, आपके पास जो कुछ बल है, उन सब की आपको अहंता है। पर क्या आपको ये अहंता है कि मैं प्रभु को हूँ? इन सब अहंताओं को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। जो भी अहंता आपकी होए रखो, वो आपको केस है। तो उन सब अहंता के साथ जो भी मैं हूँ, जैसा भी मैं हूँ, प्रभु को हूँ। ये जो अहंता अपने भीतर जगी, तो महाप्रभु जी कहे हैं कि प्रभु को यदि तुम अपने आप को समझते हो, प्रभु के लिए अपने आप को तुम समझते हो, तो तुम्हारी अहंता प्रभु से जुड़ी तो तुम प्रभु के सेवा करने लायक हो। तुम्हारी अहंता ही प्रभु से नहीं जुड़ती हो, सेवा करना व्यर्थ है। जब तुम्हारी अहंता प्रभु के साथ जुड़े, वाक्य बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? यदि मैं प्रभु के साथ जुड़े हुए हूँ तो मेरे जो कुछ है वो भी प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। तो वो ममता को प्रभु के साथ जोड़ने को उपाय है कि मेरे घर में मैं अपने प्रभु की सेवा करूँ, मेरे परिवार के साथ मिलकर मैं प्रभु की सेवा करूँ, मेरे धन से मैं प्रभु की सेवा करूँ, मेरे जो अव्यावृत्ति को के अकिंचनता को के संपन्नता को जो भी मेरी आर्थिक व्यवस्था है वह व्यवस्था को मैं प्रभु की सेवा में विनियोग से सेवा करूँ। वो ममता जब अपन प्रभु के साथ जोड़े तो सेवा अपनी तनुवित्त जा, सेवा नहीं तो तनुवित्त जा नहीं कहवा। अब एक बात देखो, ध्यान से समझो कि ये बात महाप्रभु जी ही ब्रह्म संबंध में कहाँ कह रहे हैं। सहस्र से लेके दासो हम तक अपनी अहंता प्रभु के साथ जोड़ने की कह रहे हैं। वो अहम को जोड़ना है। और जब दारागार से लेके और समर्पयामी कह रहे हैं तो अपनी ममता प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं। ये समर्पित अहंता और ममता को जो प्रभु के साथ समर्पण है, प्रभु के प्रति अपनी अहंता ममता को समर्पण है, ये समर्पण के कारण अपन सेवा शुरू कर रहे हैं। महाप्रभु जी को कहीं न कहीं ऐसा विश्वास है कि यदि अपन अपनी अहंता और ममता के साथ प्रभु के साथ जुड़ गए तो प्रभु में अपने चित्त चौंटे को जा, चित्त चौंटने को नाम प्रेम है। वो चौंटने को मतलब प्रेम है। तो फिर सेवा सेवा नहीं रह के सेवा जो है वह आपकी भक्ति हो जाएगी। सेवा कब तक सेवा है? जब तक आपको चित्त प्रभु के वा में चौंटे नहीं, माने आपको तनु, आपको वित्त, आपकी अहंता, आपकी ममता प्रभु के साथ जुड़ी। वह जुड़ने की प्रक्रिया में जा दिन आपको चित्त भगवान के साथ जुड़े हो, तो चित्त जुड़े हो मतलब महाप्रभु जी कहें कि अब सेवा सेवा नहीं रह के सेवा भक्ति हो। अपन दो बात को कंफ्यूजन समझें, सेवा और भक्ति को एक समझें। सेवा और भक्ति एक बात ध्यान समझो एक चीज नहीं है। जैसे एक बात समझो कि अपन ने अपने एक गाय बांधी है, एक भैंस बांधी है, एक घोड़ा खरीदियो है, वो बाकी सेवा भी तो अपन ले ही रहे कि नहीं? पर वह गाय घोड़ा भैंस को या कुत्ता अपन ने पाल रखे हो घर में, तो वह को भी भौंकने की सेवा, कोई आवे तो भौंकी हो तू, वो सेवा अपन ने सौंपी है कि नहीं? वो बेचारा करे सेवा। पर यह बात में ध्यान समझो कि वो वहाँ में भक्ति है कि नहीं है, ये कब पता चले? कि जब वहाँ की अहंता और वहाँ की ममता आपके साथ जुड़े तो वो सेवा जो है वो भक्ति बन जाए। और अहंता ममता नहीं जुड़ रही है और सेवा कर रहे हो। आजकल तो जैसे ये डेकोरेटर, कॉन्ट्रैक्टर कई तरह की सेवाएं करते ही रहे, लाइट फिटिंग की और ऐसो कैटरिंग की, सब सेवा करें कि नहीं? उनकी अहंता ममता आपके साथ जुड़ी भई है नहीं जुड़ी भई है? नहीं जुड़ी भई है। जैसे अपन प्लेन में जावे तो एयर होस्टेस अपनी कितनी
खातिरदारी करे, बहुत खातिरदारी करे, घर की औरत इतनी खातिरदारी नहीं करे, इतनी खातिरदारी करे। मैं तो कई वक्त प्लेन में जाऊँ तो देखूँ पूछेगी खाना खाओगे, अपन खाना ना पड़ गए तो चाय नाश्ता लोगे, चाय नाश्ता ना पड़ेंगे पानी तो लोगे कब से कब, ऐसे वाइफ तो कोई भी नहीं पूछे इतनी खातिरदारी करे। वो खातिरदारी वो सेवा की खातिरदारी है, बाकी अहंता ममता मुझसे जुड़ी भाई नहीं है, वो तो आपकी सेवा है, वो कर रही है, तो सेवा एक अलग बात है। इतना पूछे कि नहीं पूछे पर वाइफ की अहंता ममता मुझसे जुड़ी भाई है ना, तो माँ भक्ति करो लागे। माँ की अहंता ममता अपने बच्चा से जुड़ी भाई है, हॉस्पिटल के नर्स की अहंता ममता जुड़ी भाई नहीं है। एक बात समझो कि हॉस्पिटल की नर्स, मैटरनिटी हॉस्पिटल की नर्स बच्चा की जितनी देखभाल करेगी उतना सगी माँ नहीं कर सके, वो देखभाल करने के बावजूद भी वहाँ की अहंता ममता जुड़ी हुई है। वो बच्चा हॉस्पिटल से विदा भयो आपके बाद कोई दिन माँ को याद आवे बच्चा की, माँ से एक बच्चा छीन लो रोते रोते मर जाए माँ, क्यों कि वहाँ की अहंता ममता अपने बच्चा से जुड़ी हुई। मूल बात यह है कि जाकी अहंता ममता जासु जुड़े वासु महाप्रभु जी कहे कि चित्त भी अपने जुड़े है, तो सबसे पहली बात है कि अपनी अहंता ममता, सबसे पहले अपनी अहंता जुड़नी चाहिए, फिर सेकंड स्टेप पे अपनी ममता जुड़नी चाहिए, और ममता भी अपनी जुड़ी तो अंत में जा दिन भी अपने चित्त जुड़े हो वा दिन अपनी सेवा सेवा नहीं रह के भक्ति हो जाए। बात समझ में, वा दिन वो सेवा सेवा नहीं रह के भक्ति हो जाएगी, जब तक सेवा है तब तक वो सिद्धांत मुक्तावली है, और जादिन भक्ति भई वादिन भक्ति वर्धनी हो जाएगी, प्रेम आसक्ति और व्यसन के रूप में वो विकसित होगी। ये एक आपका प्रकार है। अब यहाँ में देखो ध्यान से समझो खूबसूरती विषय की कि क्या प्रेम आसक्ति व्यसन भगवान में अपने हो गए, माने इतनी भक्ति अपनी जुड़ गई तो क्या अहंता ममता छूट जाएगी, वो अहंता वो ममता और दृढ़ हो जाएगी। मैं प्रभु को हूं ऐसी अपनी अहंता और दृढ़ हो जाएगी, मेरा सब कछु है वो प्रभु के लिए है, वो ममता अपनी प्रभु के साथ और दृढ़ हो जाएगी। और वाक्य बाद महाप्रभु जी कहें कि निरोध लक्षण को एक स्टेप आएगो, वो कौन सा स्टेप, कि यस्य वा भगवत कार्य यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रह तस्य कर्तव्य इति निश्चय। जो मेरी अहंता को जो हिस्सा या मेरी ममता को जो हिस्सा मेरे भगवान के काम के लायक नहीं है वो मेरे काम के भी लायक नहीं है, ऐसा आपको धीरे से समझ में आ जाएगा, कोई गुरु को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही समझ में आ जाए। ये तो भगवान की बात जाने दो, ये तो अपन भगवान के संदर्भ में कह रहे हैं। कोई भी एक विषय की बात लो, जैसे कोई गाने की बात ले लो, पेंटिंग की बात ले लो, जाके साथ आपकी अहंता ममता जुड़ गई गाना बजाना के साथ या पेंटिंग के साथ या नाचने के साथ या कोई क्रिकेट के साथ या हॉकी के साथ आपकी अहंता ममता जुड़ गई, जा वक्त आपकी अहंता ममता या कक्षा पे पहुंची कि भाई सब कुछ मेरे क्रिकेट के लिए है, वह वक्त जो चीज़ क्रिकेट में बाधक हो रही है वो आपको अपने को बाधक लगेगी, जो चीज़ आपको पेंटिंग में बाधक हो रही है वह या काम करने से मुझको पेंटिंग में खलल पहुँचे वह काम को आपको पसंद आना बंद हो जाएगा। यस्य वा भगवत कार्य यदा स्पष्टम न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय। तो वह वक्त वह तो विनिग्रह वह अहंता ममता सु आपको खुद को ही वह में व्यर्थता समझ में आएगी, मैं बेकार को कुछ मेरे साथ लफड़ा लग गया है या सु मुझको बाहर निकलना है, तो वो अहंता ममता स्ट्रांग भाई कि नहीं भाई स्ट्रांग, और स्ट्रांग हो गई ना प्रभु के बारे में, तो वो निरोधात्मिका अहंता ममता हो गई कि मेरी अहंता ऐसी अहंता कि जो प्रभु के काम में आ रही है मेरी अहंता वो सब अहंता सच्ची। जैसे एक बात ध्यान समझो, मैंने अव्यावृत्ति को नियम लिया नारायण दास जी ने, वो मेरी अव्यावृत्ति को नियम प्रभु के सेवा के काम में आ रहे है वो अहंता उनकी और जोर पकड़ रही है, हाँ तो मैं अव्यावृत्ति को नियम निभाऊंगा,
जैसे पद्मनाथ दास जी की अहंता ने जोर पकड़े हो कि छोला धरने को मेरे अव्यावृत्ति को नियम लियो कि भागवत की मैंने वृत्ति नहीं करूंगो, नहीं करूंगो तो नहीं करूंगो तो क्या तकलीफ भाई, खाने पीने के लाले पड़ गए। पर उनको कभी यो नहीं लगे खाने पीने के लाले पड़ गए तो मेरे कोई तकलीफ हो गई। ठीक है, पूरे है वही मर्द जो हर हाल में खुश है, मैं छोला भोग घर में शुरू कर दिए। और वो अहंता कितनी बड़ी उनकी कि जब महालक्ष्मी जी ने सीता भिजवायो तो उन्होंने मथुराधीश जी से पूछी कि आपकी क्या ये सब सामग्री रोकने की इच्छा है। मथुराधीश जी ने कहा नहीं, तेरे छोला अच्छे लगे चलो भागो यहाँ से, अपन दोनों भाग चले, यहाँ नहीं तो जबरदस्ती खिलाएंगे सीता। अब देखो अहंता है कि नहीं, अभिमान है कि नहीं अपनी अकिंचनता को, पर अकिंचनता को अभिमान गांव में दिखाने के लिए नहीं है, अपने ठाकुर के साथ जुड़े भयो है। उनमें पाछी दीनता भी इतनी है कि ठाकुर को पूछ रहे हैं कि आपको रुचि हो तो करें कुछ प्रयोग। ठाकुर ने खुद ने कही उनकी अहंता को देखते हुए कि भाई तेरी जा तरह की अहंता से तू मेरी सेवा कर रहे हो, वाह तरह की अहंता मेरी भी हो गई है कि छोला के सिवाय अब मुकु कुछ भी नहीं भाव है, तो चल भाग चले दोनों भाग चले वहाँ से करके महाप्रभु जी ने महालक्ष्मी जी को कही। उनको सीधा नहीं भिजवाते तो एक दो तीन दिन बेचारे रहते या वो कोई गरीब थोड़ी आते, बदनाम दास जी के तो राजा महाराज यजमान थे, तो उनको कोई गरीबी के कारण थोड़ी छोला खाते थे। उनने एक अव्यावृत्त को नियम लियो तो वह नियम के कारण उनको छोला खाने की नौबत आई ना। तो वो देखो अहंता उनकी भागवत से संबंधित थी, भगवान से संबंधित अहंता थी, वो और जोर पकड़ गई, अहंता छोड़नी नहीं पड़ी। पर वो कैसी अहंता हो गई कि एकदम प्रभु के साथ एक रंग में रंगा गई, उनकी ममता एक रंग में रंगा गई प्रभु के ममता के साथ। तो या तरह से अब एक आपको चक्र चले है कि पहले अपन की अहंता ममता जो है वो कैसी है कि अपने देह और अपने देश के इर्द गिर्द को जो परिवेश है वहाँ के साथ अपनी अहंता ममता जुड़ी हुई हो है। वह अहंता ममता के परिवेश में एक दिन ठाकुर अपने घर में पधारे और अपने घर में पधार के घर के फैमिली मेंबर जैसो परिवार के सदस्य जैसो अपने घर में विराजे और अचानक अपनी वहाँ में अहंता ममता जुड़ जाए। मैं आपको एक देखो बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि आप लोगों ने भी नाम सुने होगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को, बहुत भगवती भय। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद के परिवार में अब उनको पौत्र या प्रपौत्र कोई अभी भी है और उनके जो ठाकुर हैं वो बनारस विराज रहे हैं, वो लोग ठेकेदार रहते वहाँ जमाना में, बनारस को ठेकेदार रहते मैंने यों राजा आते पर वो राजा उनको राजा तरीके राजा उनको रूल को अधिकार नहीं है तो पर बनारस को पूरा ठेका उनको होता अंग्रेजों को दियो गए, बहुत समृद्ध राजा के जैसे समृद्ध परिवार उनको। ठाकुर जी को बहुत वैभव, उनके घर को एक बच्चा अमेरिका में कोई म्यूजियम में क्यूरेटर है, अब वो सेवा नहीं करे म्यूजियम में क्यूरेटर है। यहाँ उनके परिवार वाले ने नक्की कियो भाई इतनो सारो धन ठाकुर जी के वहाँ में लगे भयो है कि आपको बंटवारा कर लेना चाहिए, अपने जाके उस समय जितना आतो है तो सोना चांदी के बर्तन और आभरण और सब बांट बूट के सब बंटवारा कर लो, कौन एक को देनो कौन एक को नहीं देनो, परिवार भी बड़ो हो गयो। वह क्यूरेटर को कुछ संबंध नहीं है, क्यूरेटर को जब पता चली भाई अपने ठाकुर जी को जो सेवा के सब साज सामान है वो आपको फैमिली बंटवारा कर रही है, पर एक काम करो कि जाके हिस्सा में जितना आते हुए वो मुझसे ले लो, ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी के पास रखो। देखो ममता जुड़ी भाई है ना, अभी भी अमेरिका में क्यूरेटर है सेवा नहीं कर रहे हो है तो बाकी ममता अपने ठाकुर जी में इतनी जुड़ी हुई तो ममता जा वक्त जुड़ जाए ना वह वक्त ऐसी हो जाए। अपनी ममता जुड़ गई ठाकुर जी से तो इतनी स्ट्रांग जुड़ जाएगी और नहीं तो ममता नहीं जुड़ी
तो जैसे हम गुसाई जन की दुर्गति वही है, ठाकुर जी से ममता नहीं जुड़ी, पैसा से ममता जुड़ गई। तो पैसा कमाने के लिए ठाकुर जी के मनोरथन करावे, ठाकुर जी के प्रदर्शन करावे, ठाकुर जी को ये सब करावे, ये हमारी लोगों की दुर्गति हो गई ना। क्योंकि हमारी ममता हमारे ठाकुर में नहीं जुड़ी, तो पैसा में जुड़ गई, क्योंकि हमने ठाकुर की सेवा को अपनी आजीविका बना ली, पैसा कमाने को धंधा बना लियो, वाली हमारी ममता वहाँ जुड़ गई। तो ये एक रहस्य को समझो अच्छी तरह से, कि अपनी अहंता ममता को अपन को त्याग नहीं करना है, पर अपनी अहंता ममता को अपने को प्रभु से जोड़ना है। और सेवा के माध्यम से प्रणाली से जब वक्त अपन जोड़ रहे हैं प्रभु के साथ अपनी अहंता ममता, अब वो अपनी अव्यावृत होने की ममता होए कि संपन्नता की ममता होए, अकिंचनता की ममता होए कि संपन्नता की ममता होए, अपरस की ममता होए के वो गुसाई जी के यहाँ जो डोकरी रहती थी वाकी ममता हो, डोकरी की कथा है ना, बाजी में गुसाई जी के रहती थी, वाकू पत्तल गुसाई जी देते थे, तो वाकू पत्तल मिलती वो अपने ठाकुर को भोग करती थी। सब ने फरियाद करी, भाई ये प्रसादी पातल याकू दे रहे हैं आप, और वो अपने ठाकुर को भोग कर रही है। गुसाई जी को बहुत दुख भय हो कि भाई ऐसे हमारी प्रसादी पातल हमने ठाकुर जी क्या भोग करें। महाराज ये सब अप्रस तुम लोग पालो, हम थोड़ी पाले ऐसे अप्रस, हमारे बच्चे हैं तो खेलते खेलते खावे जाए, खाते खाते पाछे खेलवे चले जाए, खेलते खेलते पाछे खावे आ जाए। ये प्रसादी और अनप्रसादी को लपड़ा हमारे बच्चे हैं नहीं माने, आपके घर में बच्चा मानते होंगे, सो आप पालो, हमारे यहाँ तो ऐसे चले। तो अपनी प्रसादी पाते ठाकुर जी को भोग देती थी। अब देखो अपराध है के भक्ति है, भक्ति है वाने ठाकुर जी को जैसी वो अपरस पालती होती ऐसी अपरस वाले की हमारा ठाकुर पालेंगे, हम कैसी अपरस पाले, जैसी हम अपरस पाले ऐसा मेरा बच्चा पालेगा। तो ठाकुर जी के लिए अलग से थोड़ी अपरस आएगी, आप लोग ज्यादा अपरस पाल रहे हो, आप लोग कहते ठाकुर जी भी ज्यादा अपरस ही हो जाएंगे, हम नहीं अपरस पाल रहे हमारे ठाकुर जी भी। अब अपन कह नहीं सके, बाकी शुद्ध बात तो अनाचार की भाई ना, शुद्ध बात तो अनाचार की भाई ना, तो भाई हम अनाचारी हमारा ठाकुर भी अनाचारी। जैसे राजा अस्करण दास जी की वार्ता में आवे के युद्ध करने के लिए घोड़ा पे लड़वे के सवार होके चले, और वो घोड़ा पे ठेकला लग गयो तो कड़ी ढुल गई उनकी, उनको घोड़ा पे बैठे बैठे लड़वे जाते जाते भी ठाकुर जी को भोग धरने की मांग सी चल रही थी। तो अब ये क्या भयो, अपनी ममता के ठाकुर जी के चित्त को ठाकुर जी के साथ या तरह से जुड़ गए हो, अहंता ममता के जोड़ने की प्रक्रिया से कि वो और आगे जुड़ जाएगा, तो वो जुड़ जाएगा करके वहाँ में आवे कि जब गोकुल वृंदावन आसकरण दास जी पहुँच गए तो उनको ये हाल हो गया, कोई दिन खाते तो कोई दिन नहीं खाते हो, जैसे महाप्रभु जी को अश्वस्थनिक वृत्त तो ऐसे उनको वृत्त हो गया। गुसाई जी ने बेटी जी को आज्ञा करी कि भूले चुके भी यदि आसकरण दास जी आवे तो ठाकुर जी को भोग धरे होए कि नहीं धरे होए, आसकरण दास जी को पहले लेवा दो, क्योंकि आज के घर पे पता नहीं आवे कल आवे नहीं आवे, भटकते रहते थे। नवनीत प्रिया जी को भोग नहीं धरे हो तो ऐसी पातल बेटी जी ने गुसाई जी के आसकरण दास को जब वक्त लेवा दी, तो आदि नवनीत प्रिया जी ने गुसाई जी को आज्ञा करी कि आज दो बार नाराज हो गया, दो बार तो असर हो गया, तो आसकरण दास ने लिया तो एक बार, तो एक बार खुद ने रह गया। पर जब अपन अपनी अहंता ठाकुर जी के साथ ऐसी जोड़ रहे हैं तो ठाकुर जी भी खुद की अहंता अपने साथ ऐसी जोड़ेंगे, अपन अपनी ममता ठाकुर जी के साथ जोड़ रहे हैं तो ठाकुर जी भी अपनी ममता अपने साथ ऐसे जोड़ेंगे। ये बात की सारी वार्ताएं इन अव्यावृतन की वार्ता में आवे है, बात चल रही है कि वो उनकी भी, क्योंकि उनने अव्यावृत होने की ममता। अब जैसे देखो आपको अपोजिट आपको बताओ कि दामोदर दास संभल वाले ने अपनी संपन्नता को जो अहंता ममता थी वासु सेवा करनी शुरू करी, द्वारकाधीश ने बाबू कही तू पर तो हवा में सोए और हमको गर्मी के शैया मंदिर में पड़ा, वे शर्म नहीं आवे तो ठाकुर जी को गर्मी लगेगा,
लगे। कब गर्मी लगे? कि अपन ने अपनी अहंता ममता ठाकुर जी से जोड़ी हुए, तो अपन ने ही अपनी अहंता ममता नहीं जोड़ी, दामोदर दास संबल वाला ने अपनी अहंता ममता कितने हद तक द्वारकाधीश से जोड़ी होती है कि इतने संपन्न होते हुए भी जल भर में खुद जाते। ससुर ने टोक्यो कि भाई नौकर रख लो तुम, तुमने बहू को कही चल तू भी साथ चले कल। तो ससुर घबरा गए कि भाई अब बेटी से जल भरा है तो जाते जमाई जल भरे वाला अच्छा है, गलती हो गई, अब नहीं टोकेंगे। इतनी अहंता ममता अपने ठाकुर से उनकी जुड़ी हुई थी, तो ठाकुर की भी अहंता ममता ऐसी राजसी हो गई। मेरे कहने का मतलब समझो कि उनको भी फिर यूँ लगे कि अच्छा खुद पट्टो हवा में सोए और हमको ऐसे बिना हवा के शैया मंदिर में पड़ा हुआ, उनको भी राजसी चाहिए। क्योंकि राजससु सेवा करी, अपने ठाकुर को अपनी सेवा को रंग लगना चाहिए। जैसे संघ को दूषण लगे ना, ऐसे अपने संघ को दूषण, जैसे भी अपन है वाको रंग ठाकुर जी को लगे तो ठाकुर जी की वो अहंता ममता वैसी बनेगी, वैसी अहंता ममता बने। परे की वार्ता में आवे ना कि वाको भी पातल मिलती थी, प्रसादी पातल मिलती थी, अब वो पाछी प्रसादी पातल अपने ठाकुर को और भोग करते थे, तो गुसाई जी को आके झगड़ा और आया कि भाई ऐसे एक पातल दो तो मेरे पेट नहीं भरे, मैं परे को भी भोग धरना पड़े। तो वो देखो ठाकुर जी भी प्रसादी पातल आरोगते थे वाके पास, क्योंकि वाके पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि जहाँ में वो सामग्री सिद्ध कर सके और ठाकुर जी को भोग धर सके। जब वाके पास व्यवस्था नहीं है सामग्री सिद्ध करने की, तो जो वो खा रहे हो है वहां में वो कह रहे हो एक पातल और दो, मेरे परे को भी भोग धरना, दो दो पातल अरोग। परे तो पहले ही तो आरोग चुके कि नहीं, वो तो वो बे परे भूखो है, परे भैया के साथ जो विराज तो परे का ठाकुर है, वो तो परे की पातल में ही प्रसादी पातल में ही अपना भाग जुटाना चाहे कि भाई आधी तू खा आधी मैं खाऊंगा। वह तरह सुप्रभु की अहंता ममता अपने साथ जुड़े है, तो वो अहंता ममता जब प्रभु की अहंता ममता अपने साथ जुड़ी तब अपनी अहंता ममता और वो प्रबल हो जाएगी। वो बात मैंने बताई कि ठाकुर जी की भी अहंता ऐसी हो जाए कि मैं नारायण दास ब्रह्मचारी को ठाकुर जी हो, तो अहंता ममता उनकी भी तो बढ़ गई ना, करके आज तक बेचारे कुंवारे बैठे हैं ब्रह्मचारी बैठे हुए। वो जो नारायण दास की अहंता है ब्रह्मचारी होने की, वो गोकुल चंद्रमा जी को आज तक वो अहंता है कि नहीं भाई मैं ब्रह्मचारी को ठाकुर, मेरे को स्वामी नहीं चाहिए, स्वामी नहीं चाहिए ऐसे ठाकुर कैसे कह सके। भाई मैं ब्रह्मचारी को खराब संग दूषण लग गया कि नहीं वाकू ठाकुर को, तब वाकू नहीं चाहिए स्वामी। ये अहंता गोकुल चंद्रमा जी की, नारायण दास ब्रह्मचारी की है। तो ये जो है वो जो बीज भाव पहले से है वही बढ़ के कितना बढ़ गया है कि खुद को रंग वाने ठाकुर जी को लगा दिया और ठाकुर जी के रंग में नारायण दास ब्रह्मचारी खुद रंगा गया है। या तरह से अपना हर जो सेवा को क्रम है, जैसे अपन यूँ समझे कि सेवायाम फलत्रयम, सेवा के तीन फल हैं, सायुज्य सेवोपयोग अलौकिक सामर्थ्यम, सायुज्यम सेवोपयोगी देहो वा वैकुंठादिशु। पर एक देखो बात ध्यान समझो कि अपन जब ठाकुर जी से बिछुड़े नहीं हैं तब तो ठाकुर जी के अंश हैं अपन, अंश होने के कारण अपन ठाकुर जी के भजन ही कर रहे हैं। जैसे मेरी उंगली मेरे सेवा कर रही है ना, मेरा हाथ मेरी सेवा कर रहे हो, मेरा पैर मेरी सेवा कर रहे हो, मेरा माथा मेरी सेवा कर रहे हो, ऐसे अपन प्रभु के अंश हैं। और जा वक्त प्रभु के अंशात्मना अंश होने की भान के साथ अपन प्रभु में हैं तो अपन प्रभु की सेवा कर ही रहे हैं, पर जा वक्त वह भान को अपन खो दें और अपन समझे कि भाई प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, धंधा की सेवा कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, देव की सेवा कर रहे हैं या की सेवा कर रहे हैं, तो अपन को प्रभु के साथ संबंध टूट गए। कोई कारण से पाछे जुड़े हो या करे सु कि अपन अपनी अहंता ममता से प्रभु के साथ पाछे जुड़े, तो पाछे जुड़े और फिर अपन ने प्रभु
सेवा करनी, अहंता ममता को प्रभु के साथ जोड़ के शुरू करी। तो जा वक्त अपन ने अपनी अहंता ममता प्रभु के साथ जोड़ के सेवा शुरू करी, वाको नेट रिजल्ट क्या है तो अपनो चित्त जुड़ेगा। चित्त जुड़ते ही अपनी अहंता ममता पाछी जुड़ेगी प्रभु से, और पाछी जुड़ने के कारण अपनी सेवा छूटेगी के सेवा बढ़ेगी, पाछी बढ़ेगी। पहले भी अपन प्रभु के सेवा में ही थे, और चित्त जुड़ने के कारण अपन पाछे प्रभु की सेवा में जुड़ गए। ये आप साइक्लिकल आपको एक चक्र है जो निरंतर चलते रहे। यही अलौकिक सामर्थ्य को मतलब भी यही है कि अपन सेवा कर रहे हैं पर अपने में ऐसी सामर्थ्य विकसित हुआ है कि जा सामर्थ्य के कारण अपन को अपनी सेवा लौकिक क्रिया नहीं लगे के साक्षात प्रभु की सेवा लगे। अपनो सायुज्य को मतलब क्या कि अपन प्रभु में मर्ज भी हो गए, जैसे डूब भी गए, तो ऐसे नहीं डूबे कि अपन फिर से कभी सेवा का मौका नहीं मिले। ऐसे ढंग से डूबे जैसे दो तरह से समुद्र में कोई चीज डूबे, एक बात ध्यान समझो, समुद्र में नदी डूब जाए जाके, नदी समुद्र में जा वक्त डूबे वह वक्त अपना नदी पर खो जाए, पर पंडित भी जो समुद्र में डूबी तो पंडित भी पनों खोवे, घूमघाम के पाछी ऊपर भी आ जाए, तो वो अपना पंडुबी पनों निभाते भाई समुद्र में डूबे। तो पुष्टि मार्गी जो सायुज है वो पंडुबी के ढंग का सायुज है, और ज्ञान मार्गी जो सायुज है वो नदी के ढंग का सायुज है, तो वो अपना नदी पनों खो के और वो समुद्र में डूबे है। और पुष्टि मार्गी सायुज कैसे है कि डूबे अपन भी हैं, और पाछा ऐसो कि थोड़ी देर नदी के पैदा और समुद्र के पैदा में घूमते रहे, फिरती रही पंडुबी, फिर पाछी ऊपर आ गई। तो अपनो सायुजी वाद तरीके को है, सेवोपयोगी देहो वैकुंठादिशु वा, तो ये देह छूटने के बाद दूसरो देह भी अपने को मिल रहे हो, तो कैसा देह मिल रहे हो है, सेवोपयोगी देह मिल रहे हो है, तो वो साइक्लिकल अपनो चल रहे है। ये आपको सकते अपने आपको स्वरूप है साधना को, ये आपको अपनो प्रकार है भक्ति को, तो भक्ति भी पाछी वही तरह सुदृढ़ हो रही है, शरणागति भी वही तरह सुदृढ़ हो रही है। और वह साइक्लिकल वृत्त में अपन हर वक्त एक बात समझें कि जैसे पहले अपन ने एक बीज बोयो, पर जब वृक्ष में से फल निकलेगो तो वो अनेक बीज के तरह से निकलेगो, वो अनेक बीज के तरह से वह को निकलना वो रसन को समूह रास कहवावे है, जा रास के नायक श्री गोकुल चंद्रमा जी हैं, और वो गोकुल चंद्रमा जी या नारायण दास ब्रह्मचारी के सेवक वे हैं, उनने अपना वो रास को समूह जो है वह अर्थ में आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि नारायण दास ब्रह्मचारी के साथ ठाकुर जी ने ब्रह्मचारी होकर कैसा रास रचियो है, कितना मधुर रास रचियो है। वो कोई वही रास रास नहीं है, ये ठाकुर जी को रास में गोपीजनन के साथ रास करने वाले ठाकुर जी को नारायण दास ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी होकर रहना, ये ठाकुर जी को एक रसानाम समूह रास, एक दूसरे रस को प्रकट करने वाला रास है। ऐसे हर ठाकुर अपने भक्त के घर में वो जा तरीके को भक्त को स्वरूप है, जा तरीके की भक्ति की मानसिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वह स्थिति को स्वीकार के जा वक्त भक्त के घर में ठाकुर जी वासु सेवा लेने लग जाए है, वो ही एक रास है। वह भक्त के साथ वह ठाकुर जी को रास है, और अपने हर घर में विराज कर ठाकुर अपने रासेश्वर है कि अपन के साथ जो रास चल रहे हो है वह को रास करने वालों रास लीले का तात्पर्य कृपय तथा प्रदा, ये बात श्री महाप्रभु जी ने अपने को समझाई है। ये नारायण दास ब्रह्मचारी की वार्ता को मुख्य स्वारस्य है वो सर्कल के अर्थ में कि वो रास अभी भी चल रहे है, वह वक़्त कुछ गोपी जनन के साथ चले हुए वो। एक बात ध्यान समझो, कपन समझे 16,000 गोपियों की, अरे पर आज पुष्टि मार्ग में कितने घर में अब दुर्गति भई है, अपनी हवेली के दर्शन करने के अपन मत हो गए, नहीं तो आप अपने खाली किशनगढ़ को इतिहास देखो कि आज से 60 साल पहले किशनगढ़ में कितने घर में ठाकुर जी की सेवा विराजती थी, क्या ख्याल है, कितने सारे वैष्णव के घर में यहाँ ठाकुर जी की सेवा बिराजती थी, और हर वैष्णव अपने ठाकुर की सेवा खुद करते थे। ऐसे तो किशनगढ़ जैसे कितने ही गढ़ होंगे जहाँ सब ठाकुर की अपने ठाकुर की सेवा खुद वैष्णव करते थे, वो 16,000 से कहीं ज्यादा संख्या बढ़ेगी।
तो कितना बड़ा रास प्रभु करने तैयार है अपने साथ। पर अपन वहां को कहे कि नहीं, हम तुम्हारा रास नहीं, हम तो तुम्हारा खाली सिनेमा ही देखेंगे। क्या करे राम बिचारा, राम भी परेशान ना कि तुमको तो टीवी में ही राम देखना है, राम लीला करनी नहीं है, राम को लीला करवे नहीं देनी है, टीवी में खाली देखना है, चाय भी पीते जा रहा है, राम लीला भी देख रहे हैं। ठीक है, ये सब देखने के शौकीन पैदा हो गए हैं, राम लीला को आनंद लेने के शौकीन नहीं हो गए हैं। तो वाक्य कारण बहुत सारे रास में व्यवधान आ गए हैं। एक वक्त श्री ठाकुर जी, एक वक्त श्री महाप्रभु जी अपने पे ऐसी कृपा करें कि अपन रास लीला देखने के नहीं, रास लीला में भाग लेने के शौकीन हो जाएं। तो आज भी अपने घर में अपना ठाकुर अपने साथ रास लीला कर ही सके। वो नाचना ही सिर्फ रास लीला नहीं है, ठाकुर अपने जैसो बन के अपने साथ नाच रहे हैं। रास लीला के पद में आप देखो आवे है या बात को कि ठाकुर जी को कैसे नाचना है, ये राधा जी सिखावे है, सिखवत नाच ऐसे वन पद में आवे। तो ठाकुर जी को नाचना सीखना पड़े राधा जी से, भाई राधा जी के साथ नाचना है जैसे वो नाचना चाहती हो ऐसे ही तो नाचे, तभी तो रास होएगा ना, नहीं तो रसाभास हो जाएगा। तो जैसे राधा जी नाचना चाहते हो वह तरह से उनको नाच सीख कर ठाकुर जी उनके साथ नाच रहे हैं, वो जैसे रास लीला है, ऐसे जैसे सेवा मैं करना चाहूँ वैसी सेवा ठाकुर जी मुझसे स्वीकार रहे है। वो मेरे साथ ठाकुर जी को रास है, रास है और शुद्ध रास ही है। तो वह भाव सु आप देखोगे तो रास है, तो वह भाव सु देखो तो जो भी कुछ आप काम कर रहे हो वो शरणागति को भाव है, जो आप नहीं कर रहे हो आप आपसे समझ रहे हो कि वो क्या कर रहे हो तो हम कर रहे हैं, तो शरणागति खत्म हुई, तो रास भी खत्म हो गया, तो रसलीला भी खत्म हो गई, फिर तो सब रसाभास हो गया। ये नारायण दास ब्रह्मचारी की वार्ता अपने को ये प्रेरणा जगावे है, और या आशय सु नारायण दास ब्रह्मचारी की वार्ता को पढ़ोगे तो आपको सच्चो पुष्टि मार्ग को रहस्य समझ में आएगा। आज हृदये शेषे
लक्ष्मी सहस्र लीला पहले जब भी अपन ने 84 विष्णु की वार्ता में कोई भी प्रसंग लिया हो तो अपनी जो पद्धति होती शुरुआत में वो वार्ता की नहीं होती, महाप्रभु जी के वचनामृत की होती और कंपाइलेशन हो भी गए पूरे पर पता नहीं कहाँ अटक गए है, तो प्रकाशित होकर बाहर आ ही नहीं पा रहे हो। तो ऑर्डर वापस ऐसा लिया कि महाप्रभु जी के गोसाई जी के और श्री गोपीनाथ जी के तीनन के वचनामृत के ऊपर कर दे संग्रह छपाना। वह प्रसंग में अपन वार्ता में जो महाप्रभु जी के वचनामृत है उनको प्रसंग देते हैं, वार्ता प्रसंग नहीं देखते। शायद दो बखत तो अपने वचनामृत के बजाय वार्ता ही चल रही है तो एक बात समझो के जो वचनामृत है इन वार्ता प्रसंग वचनामृत को एक अलग जात का महत्व या लिए तो महाप्रभु जी ने वो वचनामृत कोई जनरल सिद्धांत के टर्म में नहीं कह के वह व्यक्ति को कहे हैं, पर बड़े लोगों के वहाँ में हर वक्त वह तरीके की वाणी में गंभीरता हुआ है कि जब वो एक व्यक्ति को भी कोई बात बताते हुए वह बात को असर वह बात को महत्व व्यक्ति में नहीं होके सामुदायिक को महत्व होगा। अपन जाने अच्छी तरह से तो गीता भगवान ने अपने लिए नहीं की, गीता भगवान ने अर्जुन के लिए और जो अर्जुन को डायलेमा है तो वह डायलेमा तो मैंने वहां को जो द्वंद्व तो लड़नों के नहीं लड़नों और लड़ रहे हूं तो भगवान मेरे सारथी तो बन गए हैं, पर क्या भगवान सारथी मेरे साथ के स्नेह संबंध के कारण बने हैं कि भगवान चाह रहे हैं कि लड़ो या लिए सारथी बने, ये डिसाइड कैसे करना करके अर्जुन ने जान जान करके ऐसी ऐसी बातें भगवान के छेड़ी और छेड़ के भगवान के मुखार में से वो सारी बातें निकल रही कि भगवान को प्रयोजन क्या है सारथी बनने में। एक बात ध्यान समझो अर्जुन खुद के संदर्भ में सारी बात भगवान के मुखारविंद से निकलवाना चाह रहे हो कि भाई हम जो युद्ध कर रहे हैं वहां में तुम्हारी कंसेंट कितने हद तक है और कितने हद तक तुम तटस्थ भाव से या मैं संबंध के कारण शामिल कर भगवान के अर्जुन के साथ कई तरह के संबंध थे, दोस्त
भाई-बहनों संबंध थे, साला बहनों के संबंध थे और कई संबंध थे, और ये तो भौतिक दृष्टि पर आध्यात्मिक दृष्टि से नर नारायण के दोनों प्रतिनिधि हैं, तो अर्जुन नर का प्रतिनिधि है, तो प्रभु नारायण के प्रतिनिधि है, कई तरह के संबंध हैं। और संबंध होना एक कथा है, और संबंध के कारण भाग लेना एक दूसरी कथा है कोई के साथ। तो वह विषय की अपनी खुद की इच्छा होनी नहीं होनी एक दूसरी कथा है, तो वो अर्जुन पूरी तरह से भगवान के मुखारविंद से निकलवाना चाह रहे हो, भाई तुम केवल संबंध के कारण ही हमारे झगड़ा में भाग ले रहे हो। भगवान के पास बंटवारा भी ऐसा विचित्र किया है कि आदमी की अक्कल चकरा जाएगी, ऐसे कैसे हो सके, क्योंकि बाबा जी दुर्योधन भी भगवान को संबंधी है, अरे अर्जुन संबंधी ऐसे नहीं, दुर्योधन भी भगवान के पास गया, भगवान ने कहा दोनों आ गए, अब दोनों को चाहिए है मेरा साथ तो कैसे करूँ, तो भगवान ने ऑल्टरनेटिव दे रहे हो, एक काम करो एक के साथ मैं चले जाऊँ और एक के साथ मेरी सेना चली जाए, और तो कैसे बचा रहा हो सकता। दुर्योधन ने कही अच्छा ऐसी बात है तो यादव की सेना हमको दे दो, तुम भले अर्जुन के साथ हो। एक बात समझो, फर्स्ट चॉइस दुर्योधन की है, बच्चे से अर्जुन ने लियो है, बच्चे से अर्जुन ने लियो है वहां के कारण अर्जुन के पक्ष में भगवान वह शर्त के कारण पधारे हैं, संबंध के कारण पधारे हैं, कि भगवान कुछ चाह रहे हैं। या तरीके तीन तरह के तो गीता के पीछे डायलेमा है जो अर्जुन को परेशान कर रहे हो। सारथी तो बन गए हैं युद्ध में, युद्ध में जहां भी लड़वे जाना है वहां रथ को ले जाने वाला कृष्ण है, तो कौन से कारण से ये ले जा रहे हैं रथ को, मैंने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो शर्त कर ली थी कि भाई सेना ले ले एक व्यक्ति, एक व्यक्ति कृष्ण ले ले, समझो अर्जुन ने सेना ली होती तो कृष्ण दुर्योधन को मिलते, बाबू का दुर्योधन को भी तो सारथी बनते के नहीं। तो भगवान की कंसेंट काय में है वो पता लगानी मुश्किल हो रही है, करके अर्जुन के मन में बहुत द्वंद चल रहे हैं कि भगवान या कौन से संबंध से मेरे साथ या युद्ध में शामिल होना चाह रहे हैं, और भगवान की इच्छा क्या है वो कैसे पूछनी। अब सारथी बने हैं तो जहां भी अर्जुन कहेगा वहां रथ तो ले ही जाना पड़ेगा, रथी का सारथी का मतलब है कि रथी जो कहे वहां ले रख ले चलो, तो वहां उनकी सारथी की तरह ले जाना पड़ेगा। पर रिलेशन कैसे होना चाहिए कि सारथी जहां ले जाना चाह रहे है रथ को वहां मेरे जाके लड़ना, कि मैं जहां लड़ने जाना चाह रही हूं वहां सारथी को रथ को ले जाने के लिए कहना, ये अर्जुन को दंड है। और वापस खुलासा वो भगवान के मुखार में से चाहे या लिए आड़े टेढ़े सवाल कर करके पूरी तरह से के मुखार उनसे निकलवाए, तो भाई उनको ओपिनियन क्या है। वामे भगवान ने सारी गीता करी, अब या एंगल से अपन देखें तो अपने को एकदम स्पष्ट समझ में आवे कि जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है अर्जुन की, और भगवान भी जो वहां शुरुआत कर रहे हैं वो भी इतनी पर्सनल शुरुआत कर रहे हैं, वहां में कोई सिद्धांत की बात हो जैसे भगवान ने शुरुआत में
दोस्ताना सलाह देते हो ना, तो वह प्राप्त से सकवा भुख से मैं अस्माद उत्कृष्ट कौन के युद्धा क्योंकि निश्चय मजा गो तो स्वर्ग में जाएगा, जीतेगा तो सारी दुनिया तेरे अधीन आ जाएगी, या लड़। ये कोई सिद्धांत की सलाह है कि दोस्त की सलाह है? ये कोई सिद्धांत की सलाह नहीं है, ये तो दोस्ताना सलाह है। वहां में दोस्ताना सलाह एक दोस्त के हैसियत में भगवान दे रहे हैं, मानो भगवान को खुद को क्या ओपिनियन है बहुत क्लियर नहीं हो रहे हो। दोस्त और वक्त ऐसे ही कहेंगे ना उकसा लेंगे, जब जो दोस्त काम करना चाहते हो ना दूसरे दोस्त उकसा हुए वक्त, तो उकसा उकसाते अर्जुन ने भगवान के मुखार विंसु जो भी बात निकल पाई वो अर्जुन के संदर्भ में अपने संदर्भ में नहीं है। जब भी अपन गीता को पढ़े हैं, अपन पढ़े ऐसे नहीं, कोई भी व्यक्ति पढ़े तो वाकई में लगे कि भाई या मैं मेरे को भी कुछ कह रहे हैं प्रभु ऐसे लग रहे हो। ये सब जगह सुविधा नहीं हुआ है, बड़ौदा में महाराज सयाजी राव को एक पोर्ट्रेट है पैलेस में म्यूजियम में, वहां में ये सुविधा है सामने खड़े होके बाजू में खड़े होके या बाजू में खड़े होके एकदम साइड में खड़े होके कहीं भी खड़े होके वहां पोर्ट्रेट को देखो वो सयाजी राव आपको देख रहे हो। मैं ताजी महाराज को फोटो भी यहाँ वही ढंग पर चित्र आप कहीं भी खड़े होके देखो तो आप कैसे लगे कि आपकी तरफ ताजी महाराज देख रहे हैं, या चित्र में भी या तरीके खासियत है, या तरीके को भाव सबको देखते भय भी कोई एक को नहीं देखना, और कोई एक को नहीं देखते भय भी सबको देखने की सामर्थ्य सब आंखन में नहीं हुए, कोई आंखन नहीं हुए ऐसा ही सब वाणी में नहीं हुए है, कोई वाणी में ये सामर्थ्य हुए है तो कहीं कोई को जा रही है और सबको लगे कि हमारे लिए बात समझ आई। भगवान की गीता की वाणी या ग्रंथ की है, और वही तरह से महाप्रभु जी के भी जो वचनामृत हैं यहाँ में वो कहे गए कोई एक के लिए है। अपन भी वहां को अपने जीवन पे उतार के देखें वह परिस्थिति में तो अपने को लगे कि नहीं अपने को कही गई ये बात है, वह बात पे अपना ध्यान जावे वाली हमने बचना मत अलग साटे, क्योंकि जो षोड़श ग्रंथ वगैरह में सिद्धांत है वो तो सिद्धांत के तौर पे कहे गए बात है, कोई एक को कही गई बात नहीं है। कोई एक ने कुछ जिज्ञासा भी करी है तो सिद्धांत की जिज्ञासा करी है, और वह सिद्धांत की जिज्ञासा के तहत सिद्धांत के तहत कहे गए उपदेश है। और ये वचनामृत के उपदेश की एक खासियत है कि एकदम पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल कोई सिचुएशन में पर्सनल प्रॉब्लम पे पर्सनल सॉल्यूशन होते हुए भी उनमें या तरीके की थोड़ी यूनिवर्सलिटी भी है कि वो अपन पढ़ें तो अपने की लगे कि नहीं अपने लिए भी ये बात साबित तो हो रही है। वाह हेतु से इन वचनामृतम को हम संकलन करके और एक ग्रंथ छपवाना चाह रहे हैं, महाप्रभु जी चाहेंगे वह दिन प्रकाशित हो जाएगा। बाकी शुरुआत कहाँ से करनी करके हमने किशनगढ़ से करी, कुछ मैं समझू कितने अरसा तक चले हो, कितने वचनामृत भय हमें 10-12 शायद भय 10-12 कुछ वचनामृत भय, अभी 2 साल से कुछ अपना क्रम वो छूट गया है वचनामृत को और अपन वार्ता पे आ गए हैं जो अपना मूल हेतु शुरुआत की वह ढंग तो नहीं है। तो अब यहाँ में एक बात ध्यान समझो कि घी ढुलियो है पर खिचड़ी में भूल तो गया है घी पर ढुलियो है खिचड़ी में, ऐसे अपने वचनामृत को घी भी ढुल गया है अभी ढुलिया पाचक खिचड़ी में ही है, वार्ता की खिचड़ी में ढुलिया। तो
साल से अपने कुछ थोड़ा उल्टो क्रम चल रहे हैं, वो वचनामृत के बजाय वार्ता चल रही है। दरअसल इन वार्तांक को भी अपना एक अलग महत्व है, और इन वार्तांक को महत्व ये है कि महाप्रभु जी के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को जिनने जियो है, उनने जियो है तो वह सिद्धांत को जियो जा सके है, वाकई ये दृष्टांत रूप वार्ता है। वह कुछ सिद्धांत को जीने के लिए कितनी उन सिद्धांतन में जीवट पनों हैं वो बताने की ये वार्ता है, जो महाप्रभु जी ने उपदेश दिए उन सिद्धांतन को कैसे जियो जा सके है। जैसे साइंस में एक थ्योरी हो गया और एक एक्सपेरिमेंट हो गया, तो ये वो एक्सपेरिमेंट की स्टोरी है कि जिनने वो थ्योरी महाप्रभु जी की सुनी और वाको लाइफ में कैसे एक्सपेरिमेंट करी, ये एक अलग एस्पेक्ट है अपना। वचनामृत को एक थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट है, तो लिहाजा अभी वो ये क्रम चल रहे हो तभी चलने दे। आज वो वचनामृत वार्ता में से फिर अपन थोड़ा सा वचनामृत के तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वार्ता वैसे पूरी होने आ रही है, पर या पूरी होने जा रही वार्ता में एक वचनामृत इम्पोर्टेंट आया है, और वो वचनामृत क्या है वो अपन समझने का प्रयास करें। वैसे या वार्ता में कुल दो वचनामृत हैं, एक ठाकुर जी का वचनामृत है और एक महाप्रभु जी को वचनामृत। महाप्रभु जी को वचनामृत नारायण दास को उद्देश्य करके है, और ठाकुर जी को वचनामृत महाप्रभु जी को उद्देश्य करके है। ऐसे या वार्ता में वचनामृत कुल दो हैं, वार्ता जितनी भी हो। यहाँ में समझने की एक बात, अपन पहले ये वचनामृत लेंगे, महाप्रभु जी पधारे और बाकी खबर सुन के और नारायण दास ने इतनी उतावल करी कि ठाकुर जी के परिश्रम को विचार करे बिना ठाकुर जी को गरम गरम खीर भर दी, और ठाकुर जी का हाथ झुलस जाए बाय एक्सीडेंट तक उतनी गरम खीर मैंने सीधी सीढ़ी पर उतार के और भोग धरती आठ आठ एंड के दर्शन के लिए भाग गए। अब या तरीके को वार्ता को एक स्वरूप ये निकले कि संप्रदाय में ठाकुर जी की सेवा के बजाय महाप्रभु जी के दर्शन महाप्रभु जी की सन्निधि में पहुंचना ज्यादा महत्व की बात है। यदि यहाँ ये वचनामृत नहीं हुए महाप्रभु जी को तो ये वार्ता को अर्थ सीधे से निकल सके, वो अर्थ न निकले आप लोगों के तो बड़े सौभाग्य के यहाँ वल्लभ पंथ चल नहीं रहे, ताकि गुजरात के कई गाँव में वल्लभ पंथ चले। वल्लभ पंथ का मतलब ये है कि ठाकुर जी को नहीं मानना खाली महाप्रभु, बड़ी आसली प्रकृति के लोग तो वो ठाकुर जी को नहीं मान रहे महाप्रभु जी को ही मान रहे। मैं तो हर वक्त ये कहूँ कि महाप्रभु जी की पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं और कहना मैं सब वल्लभ पंथ ही अपने, तो वाह वल्लभ पंथ को यहाँ बड़ा भारी समर्थन मिल जाए है कि नारायण दास ब्रह्मचारी जैसे उच्च कोटि के भगवती ने भी अपने ठाकुर जी को ध्यान नहीं रखा और महाप्रभु जी के दर्शन के लिए भागे। वो अर्थ जो हुए वहाँ पर महाप्रभु जी ने यहाँ एक वचनामृत ऐसा कहा है वहाँ पर स्टॉप लगाया नथिंग। अब वो स्टॉप कैसे लगाया, वो देखो
और एक समय नारायण दास गोकुल चंद्रमा जी को श्रृंगार करी, श्रृंगार भोग खीर सिद्ध कियो, हार में पधरायो। इतने में वैष्णव ने नारायण दास को बधाई दी, जो श्री गोकुल में आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब नारायण दास ताती खीर भरियो थार, गोकुल चंद्रमा जी को भोग धरी के आचार्य चरण के दर्शन को श्री गोकुल चले। तो आचार्य जी महावन प्रभु महावन पधारत थे, तो मार्ग में दर्शन गए। तब नारायण दास ने दंडवत की कियो, तब आचार्य जी श्री महाप्रभु श्री मुक्त कहे कि नारायण दास ठाकुर जी को कहा समय ये देखो संबंध की। महाप्रभु जी को दंडवत कर आए, महाप्रभु जी आशीर्वाद देने के पहले महाप्रभु जी को मन में चिंता हो रही है, अरे मुकु दंडवत करने आ गए हो, ठाकुर जी को क्या समय होएगा या बकर, जब सेवा को समय हमें दंडवत करने आयो कैसे। महाप्रभु जी को नारायण दास की नहीं फिक्र है, नारायण दास के माथे जो ठाकुर जी पधराए हैं उनकी फिक्र हो रही है, नहीं तो गुरु शिष्य को व्यवहार कैसे हुआ। नारायण दास आए तो महाप्रभु जी को कर्तव्य क्या हो, तो दंडवत करी। नारायण दास को कुशल प्रश्न पूछते हैं, नारायण दास को आशीर्वाद देते, महाप्रभु जी को तुरंत खटका लगे, कुछ लफड़ा है हमें, सेवा के समय में ये दंडवत करने कैसे आ गए, दंडवत करने कैसे आ गए करके महाप्रभु जी ने आशीर्वाद नहीं दियो, कुशल प्रश्न नहीं पूछो, पहला सवाल ये पूछो, ठाकुर जी को कहा समय। महाप्रभु जी के मत में प्रायोरिटी काय की है वो अपन यहाँ से समझ सकें या बचने। तब नारायण दास ने विनती करी कि महाराज श्रृंगार भोग धरी के आपके दर्शन तो आया हूँ। तब श्री आचार्य जी उतावल पधारे, तो तत्काल स्नान करी मंदिर में पधारे, झाड़ी लिए, तब देखें तो गोकुल चंद्रमा जी हाथ खींच ही रहे हैं, शिरस्त्र खीर से भरे हैं, सिंहासन पर वस्त्र खीर के छांटा परे हैं। और गोकुल आचार्य जी ने गोकुल चंद्रमा जी से पूछे, बाबा हस्त क्यों खींच रहे हो। तो गोकुल चंद्रमा जी ने कही कि नारायण दास ताती खीर समर्पित गए हो, सो मैं हस्त सो खीर उठाई सो तासों ताती लगी, तब मैं हस्त झटक के अंगुरी चाटी है, सो मेरो होस्ट हस्त दाजे और मंदिर में जहाँ तहाँ छाटा पड़े। तब श्री आचार्य जी के श्री हस्त सो होस्ट देखें तो अत्यंत आरक और खीर पंखा सो सीरी करके भोग समर्पी आप बाहर आए। तब नारायण दास को खीजी के कहे कि क्यों तू ठाकुर जी को ताती खीर समर्पी। अब देखो पता चले है कि महत्ता कौन की है। तब नारायण दास ने कहे कि महाराज आपकी बधाई सुनी उतावल कर मैं खीर समर्पी। तब श्री आचार्य जी कहें आज पाछे ऐसो काम कबो मत करिए। ये मुख्य बात बचना मत की है, या मैं समझ सकें ये वार्ता नहीं है, ऐसो काम कबो मत करियो। अब ये कई बात तो पर्सनली नारायण दास को है, पर हर पुष्टि मार्गी को ये बात समझने की है कि जा वक़्त अपन सेवा कर रहे हैं वह वक़्त महाप्रभु जी के पधराए ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु जी के भावात्मक ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। और जा वक़्त महाप्रभु के भावात्मक ठाकुर की अपन सेवा कर रहे हैं, वह वक़्त अपने ठाकुर को न्यून गिनो, मतलब महाप्रभु जी के भाव को न्यून करना है। जा वक़्त अपन महाप्रभु जी के भाव को न्यून कर रहे हैं, वह वक़्त अपन महाप्रभु जी के सगे भी रह गए। जैसे एक सामान्य बात आपको बताऊं कि कोई भी लड़की को पिता, लड़की के पिता को ज
जमाई वा को भजन करे ये पसंद आएगा कि लड़की को प्यार से रखे पसंद आएगा, लड़की को डंडाए मारे जमाई के पग ससुर के पग पड़े ऐसे कौन ससुर होएगा? ऐसे तो कोई ससुर नहीं होगा। तो एक जो ससुर है वहां की अपेक्षा मन में क्या होगी कि भाई मैंने लड़की दी मेरी बच्ची तो खूब ब्याई है वाकू तो प्यार सूरत, तो बामे पिता की सबसे बड़ी संतोष है लड़की के पिता को। ऐसे महाप्रभु जी ने अपने को जो ठाकुर पधरायो है वाकू अपन सर्वोपरि मान के वाकी सेवा करें, वामे महाप्रभु जी के प्रति अपनी सच्ची वफादारी है, उनको छोड़ के ठाकुर को छोड़ के महाप्रभु को भजनो, महाप्रभु को नहीं भजनो ऐसे नहीं, ससुर को गाली देना ऐसी बात मैं नहीं कह रहे हूँ, लड़की को प्यार करने के लिए ससुर को गाली देने की जरूरत नहीं है, पर लड़की को त्रास दे के और ससुर के पैर पड़ना वो भी एक विकृत मनोवृत्ति है ना। वह बात पर महाप्रभु जी ने आपका ध्यान नारायण दास को दिलवाया है कि भाई तू इतना मेरे दर्शन के लिए उतावल करे वो तेरो मेरे प्रति स्नेह सच्चो और अच्छो हो सके, पर मेरी प्रसन्नता या में नहीं है, मेरी प्रसन्नता या में कि जो ठाकुर मैंने तुमको पधरायो वाकू तू अपनो सर्वोपरि कर जा। यही के लिए देखो शब्द आयो है कि तब श्री आचार्य जी कहें आज पाछे ऐसो काम कबहू मत करिए, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। अब देखो दिल पे हाथ धर के देखो कि कही भाई बात नारायण दास को है पर अपने पे लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि अपन महाप्रभु जी की कंठी गला में पैरते हुए अष्टाक्षर की ब्रह्म संगत की तो अपने पे लागू हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि अपन अपने ठाकुर जी को महत्व छोड़ के और महाप्रभु जी को या कोई बालक को या कोई दूसरे ठाकुर जी के लिए अपन भटक रहे हैं ताकि महाप्रभु जी के हृदय कितनो उद्विग्न और क्लेष पा रहे है तो भाई जो ठाकुर मैंने तुम्हारे यहाँ पधराए हो वाको तुम महत्व नहीं देख रहे हो और गांव के ठाकुर हम के पीछे तुम चक्कर मार रहे हो, गांव के महाराजन के पीछे चक्कर मार रहे हो, जो तुम्हारे यहाँ विराज रहे हो ठाकुर वाको तुम सर्वोपरि जानो, तो महाप्रभु जी प्रसन्नता हो। वह अर्थ में महाप्रभु जी आज्ञा करें कि आज पीछे ऐसा करो मत, ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे पे भरोसा रख के मेरा ठाकुर तुमको पधराया और तुम मेरा विश्वासघात करोगे, ये बात महाप्रभु जी का। यह वचनामृत को बहुत महत्व है आज की तारीख में। कई लोग यूं सोचे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लाभों पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए, पर ये फोटो अर्थ है भाई। दुआ क्या कह रहे हो ध्यान से समझो, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, ये प्रश्न है ना। गुरु ने क्या बतायो, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए, गुरु ने कहो कि पहले गोविंद के पैर लग। अपन वहां पर उल्टो अर्थ निकाले कि बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए, जो गोविंद बताया वाको तो तुम मान नहीं रहे हो और गुरु की बलिहारी कर रहे हो, तो गुरु वो ही नहीं रहे, तुम चेला नहीं रह गए, रसाबास हो गए, रास कहाँ रहे हो। रास का मतलब क्या है कि जो रास में तुमको ठाकुर जी पधराए गए है जो रास के लिए, वो रास तुम अपने ठाकुर के साथ करो। तो जब तुमने गुरु से पूछी कि भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, तो गुरु की यह बलिहारी होनी चाहिए कि वो ऐसे नहीं बताया कि पहले मेरे पैर पर, वैसे बता रहे कि पहले गोविंद के पर, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए, वो गुरु सच्चो। और जो भगवान से विमुख करे अपने को वो गुरु काय को, गुरु शब्द का अर्थ अंधकार हो है,
शब्द को अर्थ वो अंधकार को मिटाना हुआ है। अंधकार अपने जीवन में काय बात को है कि अपन भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपन भगवान को ऐसो भज नहीं पा रहे हैं, भगवान को अपन जान नहीं पा रहे हैं। गुरु को क्या रोल है तो भगवान से अपनी पहचान करावे, भगवान से अपना संबंध करावे। अपन क्या कर रहे हैं, वही भगवान को गौण मान रहे हैं, जासूवान पहचान कराई। तो जब वाही को तुम गौण मान रहे हो तो आपका मतलब क्या रहे है? पर क्या है कि या तरीके की धांधल हो जाए। हमने यहूदियों के धर्म ग्रंथ में बड़ी मजेदार वार्ता पढ़ी कि कोई आदमी बहुत तकलीफ में, तो आने उनके यहाँ रबाइयों हैं, अपने जैसे धर्म गुरु हैं से उनके यहाँ रबाई हैं, तो रबाई से पूछो कि भाई मेरी तकलीफ कैसे मिटे। रबाई ने वक्त कही कि भाई अमुक ठिकाने जा तू, वहाँ तो कोई ग्रंथ मिलेगा, वहाँ में तेरे ग्रंथ को बात ग्रंथ में तेरी तकलीफ को निराकरण को उपाय हो। वो भाई साहब गए वहाँ, सच में वहाँ ग्रंथ मिलियो, वहाँ ग्रंथ में पाछो ऐसा मिलियो कोई एक तालाब है, जा तालाब में के किनारे धन गड़े भयो है, और वो जहाँ धन भरे हुए है वहाँ सब कंकर बिछे हुए हैं, और सब कंकर जो हैं वो ठंडे हैं, तो वह कंकर को उठाओगे जहाँ वो धन गड़े हुए वो गर्म कंकर है, और वहाँ कुछ लसा तो नहीं। वो तालाब के किनारे पर सब कंकर सूखा करके देखने शुरू किए, सब ठंडे के ठंडे ठंडे के ठंडे मिलते थे, तो गुस्सा आता हो गया धीरे धीरे, गर्म कंकर मिल तो नहीं जाओ, तो कंकर उठावे छुए ठंडो है फेंक तालाब में, ये नहीं क्योंकि तो पाचन नहीं तो दुखे पहचान कैसे, तो वही कंकड़ है कि दूसरे। वो करते करते इतना एक्सपर्ट हो गयो, उठायो हाथ में छुयो फेंक, उठायो हाथ में छुयो फेंक, अंत में तो गर्म कंकर आयो वो भी उठायो हाथ में छुयो फेंक करके फेंका गया, पता नहीं चलो कि वो धन कहाँ गड़े हुए। आदमी में क्या है कि या तरीके की धांधल हो जाए, या धांधल में अपन पाछो खो दे हैं सब अपनों, तो वो धांधल अपने को नहीं होनी चाहिए। नारायण दास जी को भी धांधल हो गई, वही बधाई दी कोई ने कि आचार्य चरण पधारे, आचार्य चरण पधारे तुमने ठाकुर जी को ध्यान छोड़ दिया, पर ये बात ध्यान से समझो कि माँ ठाकुर जी ने नारायण दास के साथ नहीं और यशोदा जी के साथ भी यही बात करी है कि ठाकुर जी को जन्म दे, ठाकुर जी को ध्यान नहीं धर के आने वाले गेस्टन को ध्यान धरनो मेहमान को। ठाकुर जी ने कहा अच्छा यही बात चल रही है खाता, तो गेस्टन को जहाँ से सत्कार होने वाला तो वो गाढ़ा ही ठाकुर जी ने आपको जाननी चाहिए, आप करो सत्कार। गेस्ट के सत्कार करने के लिए जो दूध दही के सब गाढ़ा रखे हुए थे सब उलट दिए ठाकुर जी, करो सत्कार। तो ठाकुर जी ने वाबखत भी यशोदा जी के साथ भी यही न्याय वापरियो, भाई तुम मेरा जन्मदिन मनाओ वहां में मुख कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरा जन्मदिन ऐसे ढंग से मत मनाओ कि जहां में तुम मुँह को ही भूल जाओ। वह बात पर से पुष्टि अस्मिता में मैंने भी एक प्रसंग में लिखो कि वर राजा जो है वो घोड़ा पे बैठ के जा रहे हैं और सब जो बराती हैं वो गीत गा रहे हैं नाच रहे हैं, और अचानक फटाकड़ा फूट्यो और वो घोड़ा बिद क्यों, तो वहाँ वर राजा को पटक दियो, सब आके कह रहे हैं अरे भाई वर राजा गिर गयो घोड़ा पे से, बोले बोलो डिस्टर्ब मत करो मजा आ रही है बराती बारात में जा रहे हो मार भी जा रहे हैं मर रहे शांति से समझो तो सही भाई, तुम बारात में जा रहे हो तो कौन की बारात में जा रहे हो, वाकू भूल के तुम नाच रहे हो गा रहे हो, ये कैसी जात की मस्ती है।
या बात को कभी तो शांत चित्त से विचारना चाहिए कि नहीं। भाई बारात में नाचना गाना बरातीन को उमंग को अच्छा प्रकार है, पर वो वाहद तक नहीं जाना चाहिए कि खुद अपन वर राजा को ही भूल के नाचने लग जाए और कोई कहे कि भाई गिर गया घोड़ा पे से, बोले चुप अभी हम नाच रहे हैं, तन डोले मेरा मन डोले दिल का गया करो कैसो तन डोल रहे तुम्हारा, वही तो कंट्रोल हो कि नहीं तन मन पे तुम्हारे। तो अपने याद तरीके को बिना कंट्रोल को तन मन डोलने लग गए है बापू महाप्रभु जी यहाँ ना पाड़ रहे हैं। तब आचार्य जी कहें कि आज पाछे ऐसो कबहु मत करियो, अपना ठाकुर जो अपने माथे विराज रहे है वो अपने महाप्रभु जी को भाव रूप है। भाव रूप है मतलब कि महाप्रभु जी व ठाकुर को अपने भाव के रूप में दे रहे हैं कि मेरे भाव में तुमको पधरा रहे हूँ। जब अपन ठाकुर जी को प्रति वो महाप्रभु को सर्वस्व होने को भाव नहीं निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले दगा अपन अपने महाप्रभु जी को दे रहे हैं। ठाकुर जी की तो बात बात में सोची जाएगी देखी जाएगी। तो ये एक बड़ो आज के युग में जबकि गुरुडम जोर पकड़ तो जा रहे है, वैष्णवन के मन में कहीं न कहीं एक अशुद्धा घर कर गई है। वो अशुद्धा क्या कि उनके माथे विराजते ठाकुर के बजाय गुरु के माथे विराजते ठाकुर में वोल्टेज ज़्यादा है। उनके माथे विराजते ठाकुर 25 से 5 वोल्टेज को है, गुरु के माथे विराजते गुरु जी की सेवा कर रहे हैं वो ठाकुर 200-400 वोल्ट को बड़ा बल्ब है। महाप्रभु जी को अब हम लोगन की तो दुर्गति यह है कि हमारे कोई धंधा नहीं रहा है सेवा के अलावा, तो हम तो आपको ना नहीं पार सके हैं। तो महाप्रभु जी को सेवा जो है तो वो धंधा नहीं है तो धर्म है तो करके महाप्रभु जी में कि सीना चौड़ो है कि खुल के नारायण दास को कह सकें कि ऐसे कबूल मत कर लो। हम लोगन से तुम अपेक्षा रखोगे तो हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम हमारे यहाँ नहीं आओगे ना तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो तुम अपने घर में सेवा मत करो, जितना तुम हमको मानो उतना हमारा तो काम ही सर है ना, हमारा तो उल्लू पट्टी हो इतना पर, क्योंकि हमारा धंधा है सेवा, आज हमारी भक्ति नहीं है। पर यदि तुम महाप्रभु जी की कंठी बंधा के चल रहे हो, यदि तुम महाप्रभु जी को अपना आचार्य मान रहे हो तो एक बात ध्यान से समझो, समझो और समझो ही कि महाप्रभु जी को संतोष या बात में नहीं है कि तुम भूल के अपने ठाकुर को और कोई दूसरी बात को अटेंड करो। पहले अपने ठाकुर को अटेंड करो, क्योंकि महाप्रभु जी ने तुमको अपना सर्वस्व पधरायो है और महाप्रभु जी को प्रसन्न चित्त की प्रसन्नता या में है कि तुम अपने ठाकुर को अटेंड करो। जब तुम अपने ठाकुर को अटेंड करो महाप्रभु जी से प्रसन्न है, जब तुम अपने ठाकुर को अटेंड नहीं कर रहे हो तो महाप्रभु को तुम कष्ट पहुँचा रहे हो करके महाप्रभु जी वहाँ ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसो कबूल मत करो। ये वोल्टेज को डिफरेंशिएशन ये जो है ये पुष्टि मार्ग को ले डूबियो। क्यों ले डूबियो? क्योंकि हमें सबसे पहला दगा अपन ने अपने गुरु को दियो है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हो अंधा के हो कोड़ी, अपन अपने गुरु को दगा दे रहे हैं। गुरु ने जा भाव से अपने को अपने माथे ठाकुर पधराए, वाह ठाकुर को अपन अपने सर्वस्व नहीं मानते और यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मतलब बिल्कुल बात साफ है कि अपन गुरु से कपट कर रहे हैं। अपन कह रहे हैं कि अपन महाप्रभु जी के शिष्य हैं पर अपन सचमुच में महाप्रभु जी के शिष्य नहीं है। अपन दगाबाजी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं अपने गुरु के साथ। ये सारे वचनामृत को सार है तो अपने को कोई न कोई जंक्चर पर भले आज अपने को समझ में नहीं आते हो क्योंकि आज अपनी आदतें खराब पड़ गई हैं। जैसे अपन मंजी महाराज की बात करें थे तो गाली निकल ही जाए, जैसे आज अपनी खराब आदत पड़ गई है तो निकल ही जाए अपने से कि कोई भी कुछ भी सूचना दे कि यहाँ छप्पन भोग है, बोले चलो 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 सब के चले जाए छप्पन भोग के दर्शन करने। कोई फूल मंडली की सजावट है, चलो चलो चलो
वो अपने को क्या है कि वो आदत खराब पड़ गई है करके अपने को चले जाए, पर महाप्रभु जी वह आदत को सुधारने की बात कर रहे हैं। ऐसा का बहुत जो तुम्हारे को ठाकुर पधराया है वह को तुम गौण मान के और कोई भी तुम धर्म साधना कर रहे हो वो धर्म साधना तुम्हारी भक्ति मार्ग में सफल होने वाली नहीं है। क्योंकि भक्ति को मतलब सीधे सीधे यह है कि जो भक्ति जा भक्ति की खूबसूरती देखो, एक बात ध्यान से समझे, बड़ी समझने की बात है ये कि भक्ति शब्द भज सु बने, भक्ति शब्द भज धातु से बने, भजन करने की क्रिया वाको नाम भक्ति। तो भक्ति शब्द जैसे भजन की क्रिया से बनियो है, ऐसे भगवान शब्द भी भजन की क्रिया से बनियो है। जाको भजन कियो जाए वो भगवान, जो भजन करने वाला है वो भक्त। अब ये बात कैसी है कि भक्ति या तरफ तुमको भक्त बना रही है तो वा तरफ वाकु भगवान बना रही है। यदि तुम भक्ति में से लफड़ा पैदा कर रहे हो तो न वो भगवान है न तुम। साधने की जरूरत क्या है, भगवान से भी पहले कोई चीज को साधने की जरूरत है तो भक्ति को साधने की जरूरत है। क्योंकि भक्ति ही तुमको भक्त बनाएगी और भक्ति ही वाकु भगवान बनाएगी। यदि तुम्हारे में भक्ति की कमी है तो वो देवता की मूर्ति है, पत्थर है, भगवान नहीं। मैं यही अक्सर एक बात कहूँ कि मुसलमान लोगों को समझ नहीं पड़ती थी, वो समझते थे कि अपन पत्थर की मूर्ति पूज रहे हैं, अपन पत्थर की मूर्ति नहीं पूज रहे हैं। शास्त्र में ऐसे स्पष्ट लिखे है कि अपन की पूजा की जो भक्ति है वो पत्थर को देवता बना रही है। ये लिए अपने यहाँ तो अपने यहाँ भी है वो नियम, पर शास्त्र मर्यादा में मर्यादा मार्ग में तो स्पष्ट ऐसे लिखे गए है कि 3 दिन तुम कोई देव की पूजा प्रमादवश नहीं करो तो वो मूर्ति की प्रतिष्ठा कैंसिल हो जाए। प्रमादवश मैंने बेदरकारी से, जो मूर्ति की तुम पूजा कर रहे हो बाकी 3 दिन तुम पूजा नहीं करो तो वो भगवान नहीं रह के पत्थर की मूर्ति हो गई। वहां मूर्ति में और दुकान में धरी भाई मूर्ति में कोई फर्क नहीं है। मतलब मर्यादा मार्ग में भी यह बात की इतनी सावचेती बढ़ती गई है कि भगवान की मूर्ति, भगवान सर्वव्यापी हैं वाके कारण है, पर सर्वव्यापी होने के बावजूद भी भगवान की मूर्ति ध्यान समझो कि भगवान की मूर्ति भगवान कब बने हैं, जब आपको भजन कर। ये बात अपने कुछ चमत्कार की कुछ धर्म की तो ऐसी बात लगे, पर ये बात चमत्कार की और धर्म की नहीं है, ये बात मूल में एक सीधी समझ की है कि दुनिया में हर लड़का जो है वो लड़का है, हर लड़की लड़की है। अपन ने विवाह कियो तो वो पति और पत्नी है, नहीं तो विवाह नहीं कियो तो हर लड़का लड़का है, हर लड़की लड़की है। पति पत्नी कब हो है? जब अपन विवाह करें तब। गुरु शिष्य कब हो है? कि जब अपन कोई के पास पढ़े तो पढ़ाने वालों गुरु है और पढ़ने वालों शिष्य है। अपन कहें हमारे गुरु वो हैं, पढ़ा क्या रहे, बोल पढ़ा कुछ नहीं रहे, पढ़ क्या रहे, पढ़ तो कुछ भी नहीं। जब पढ़ नहीं रहे हो, जब पढ़ा नहीं रहे तो गुरु भय कैसे, कोई भ्रम है ना अपना। जयपुर महाराज की बात बताते थे, जयपुर महाराज ने संस्कृत स्कूल खुलवा दी, कोई पढ़ने आते ही नहीं तो बेचारे गुरु जी को बड़ी परेशानी। जितने थम्बा थे वहां उन सबके नाम रख दिए, कोई को रमेश, कोई को सुरेश, कोई को दिनेश, कोई को गणेश। वहां बैठ बैठ के पूछते क्यों भाई रमेश, समझ में आई कि नहीं बात। वो तो गुरुजी पूछते रहते, तो नीचे वो जब उनके इंस्पेक्टर आते
दिख जाते कि हाँ पाठ चल रहे हो बराबर। एक दिन अचानक जयपुर महाराज इंस्पेक्शन करने गए कि भाई स्कूल कैसी चल रही है, तो एक भी नहीं है, तुमने कही तो आप क्या कर रहे थे, कि आपने स्कूल तो खुलवा दिया पगार भी दे दिया पर अब मैं नमक हराम तो नहीं हो सकूँ ना, तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, थम्बा पढ़ा रहे हूँ, या थम्बा का नाम मैंने रमेश रखा, क्या का नाम सुरेश रखा, अबे क्यों सुरेश नहीं समझा क्या, करते रहे फिर करे क्या आदमी जो कोई पढ़ने वालों नहीं है, तो यार हसी को समझो कि पढ़ने वालों है। जब आप भजन नहीं कर रहे हो तो भगवान आपको पत्थर की मूर्ति बन गए हो, और जब आप भजन कर रहे हो तो पत्थर की मूर्ति भगवान बन रही है। लोगों को ये संदेह हुआ है कि भगवान कैसे बन गई, भाई भगवान बनने के लिए कोई अलग से जरूरत नहीं है, भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है तो कोई पत्थर की मूर्ति में नहीं है ऐसे तो अपन कह नहीं सके, पर भगवान को सर्वव्यापी होना वो भगवान की खुद की सामर्थ्य है, और भगवान को खुद को स्वभाव है, वा स्वभाव को अपन भगवान नहीं कहे, वा स्वभाव को अपन ब्रह्म कहे, ध्यान से समझो, भगवान सर्वत्र है, वा स्वभाव को अपन भगवान नहीं कह के वा स्वभाव को भगवान के अपन ब्रह्म कहे, कि ब्रह्म सर्वत्र है। अपन यह बात को कैसे समझेंगे, जैसे पंखा नहीं चल रहे है, अभी ये पंखा चल रहा है तो अपने को हवा लग रही है कि नहीं लग रही है, लग रही है, पंखा नहीं चल रहा तो क्या यह रूम में हवा नहीं है, नहीं पंखा चल रहा तब भी हवा तो है ना रूम में, ये पंखा हवा पैदा नहीं कर रहे है, रूम में जो भरी भरी हवा है वाकू अपने पास वा स्थिति में पहुंचा रहे है कि जा स्थिति में वो अपने शरीर को सुखद हो जाए, नहीं तो हवा भरी भरी है। ऐसे जा ब्रह्म जो है वो सर्वव्यापी होने के कारण घट घट में भरे हुए है, पर भजन की प्रक्रिया पंखा के जैसी है कि वो सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म को भी पंखा चले तो वो हवा अपने को लगे, ऐसे ब्रह्म के अपन भजन करें तो वो अपने लिए भगवान हो जाए। अपन ने भगवान को अपन ने ब्रह्म को भजन छोड़ दियो तो भगवान पाछे ब्रह्म हो जाए, जैसे हवा भरी की भरी रहे पर लगे नहीं शरीर को, पंखा चले तो लगे अपने हवे शरीर को, बिल्कुल यही संबंध है। तो ये भजन को जो प्रक्रिया है, भक्ति की जो प्रक्रिया है, वो मूर्ति को कहो कि ब्रह्म को कहो भगवान बनावे वा तरफ, और या बाजू इंसान को कहो या कोई भी व्यक्ति को कहो वाकू वो भक्त बनावे है, तो या में सबसे बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, तो काय की है, भक्ति की। भक्ति भाव अपनो खंडित नहीं होना चाहिए, भक्ति भाव अपनो अखंडित है तो पत्थर भी भगवान बन जाएगा, और भक्ति भाव खंडित भयो तो भगवान भी पत्थर बन जाएगा। भक्ति भाव को निभाने अपने परम कर्तव्य है, अपन को क्या है कि अपन भक्ति भाव नहीं निभावे, भगवान को निभा रहे हैं, तिलक लगा के और ऐसो झिंचक झिंचक करके ढोलकें बजा बजा के अपन भक्तपन निभा रहे हैं पर भक्ति नहीं निभा रहे हैं। आवश्यकता भक्तपन निभाने के बजाय भक्ति निभाने की ज्यादा है। अपन को क्या है इजी कोर्स लगे कि हाँ भक्तपन निभानो सरल बात है, भक्ति निभाने में थोड़ी कठिनाई लगे। तो जब भक्ति निभाने में कठिनाई लगे तो न अपन भक्त रह जाए न वो भगवान रह जाए। या ये महाप्रभु जी ये बात समझा रहे हैं कि ऐसो कभी मत करियो कि तुम अपनी भक्ति की प्रति असावधान मत हो, भगवान को जो स्वरूप तुमको पधराया हुआ कि तुम भक्ति की सावधानी रखोगे तो वहाँ में भगवत्ता रहेगी, और भक्ति की सावधानी नहीं रखी खत्म हो गया, सारो रसाभास हो गया, रासलीला में शंखचूर आ गया रास में विघ्न पहुँचाने के लिए। ये आपको सिद्धांत महाप्रभु जी ने अपने एक वचनामृत में यहाँ प्रकट कियो है, और ये एक बात समझो कि नारायण दास कितने सर्वात्म भाव वाले हते, और गोकुल चंद्रमा जी के प्रति कितने ज्यादा समर्पित हते, वो तपन या वार्ता से देख सके हैं, तो बाप वार्ता से देखने के बावजूद भी ये एक चूक भक्ति में होनी
बहुत सहज स्वाभाविक है। और ये सहज स्वाभाविक क्यों है, वाको एक सीधो सा कारण स्वरूप जो ये सिर्फ भक्ति में है ऐसे नहीं, अपने जीवन में भी या तरीके की चूक बहुत हुए हैं। जैसे एक सामान्य बात समझो, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हो कि प्रकृति ने जीव में स्वाद क्यों पैदा किए, क्योंकि तुमको खाना मिले खाने के लिए तुम्हारे भीतर से प्रेशर आवे, और प्रेशर आवे तो तुम्हारा शरीर सर्वाइव करे। अपन ने वो खाने के लिए स्वाद को मजा लेने के बजाय स्वाद के लिए खाने की मजा लेने लग गए। वाके कारण अपने को डायबिटीज हो गए, वाके कारण अपने को ऐसी बीमारी हो गई, वाके कारण अपने को सब तकलीफ हो गए। अपन खाने की मजा लेने के लिए क्या हो गया, खाने की मजा के लिए अपन जब अपन स्वाद लेने लगे तब तो ठीक बात है, पर स्वाद की मजा के लिए जब अपन खाना शुरू करें सब तरीके के रोगों में, बात में दोनों में दोनों चीज कायम रहेगी, पर खाने की मजा लेने के लिए स्वाद ले लो, और स्वाद लेने के लिए खाने की मजा कर लो, मैंने मरने के लिए घटी खुद बजा ली। तो ये अपने जीवन में भी यही तरह से है सब जगह। तो वही बात यहाँ भी है कि ऐसे भगवान जो है वाको अपन भजन कर रहे हैं, हमें ये सावधानी अपने को बरतनी बहुत जरूरी है कि भक्ति जो है वो मूल भाव अपना होना चाहिए भजन में, वो वाको भगवान बना देगा। वह भाव से अपन चित भय तो भगवान को कोई महत्व नहीं है। आज अपन को क्या मतलब लग गया है कि जो भगवान है वाको महत्व ज्यादा है, तो एक बात समझो ध्यान से कि यदि भगवान को इतना महत्व हो तो भगवान तो कंस को मिले थे कि नहीं मिले थे, भगवान तो रावण को मिले थे कि नहीं मिले थे, भगवान तो शिशुपाल को मिले थे कि नहीं मिले थे, भगवान तो पूतना को भी मिले थे। पर पूतना को जो भगवान मिले वाको कोई ऐसा महत्व है, कोई महत्व नहीं। भगवान जो है ब्रजभक्तन को मिले वाको महत्व, तो भगवान भक्ति से मिले वाको महत्व है, भगवान मिलने को महत्व नहीं है। भगवान मिल भी गए पर अपन में भक्ति नहीं है तो फायदा क्या, मिले भगवान की भी काम है ना। एक बार बिल्कुल साफ तौर पर समझो कि अपना ब्याह हो भी गयो पर जासू ब्याह भयो वाको अपन चाह ही नहीं रहे, तो एक बैलगाड़ा में दो बैल जीत गए, वासु ज्यादा क्या है, कुकु ज्यादा तो स्वरूप बने नहीं। और जब अपन चाह रहे हैं एक दूसरे को तो ब्याह सफल हो गया। तो भगवान जो है वो मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, भक्ति जो है वो है तो वो भगवान मिल गए हो तो भक्त और भगवान दोनों को संबंध मिल जाएगा, नहीं तो भक्त और भगवान दोनों ही भक्ति के बिना मिल गए तो वो एक बैलगाड़ा में, वो चाहे हवेली को बैलगाड़ा हो, चाहे घर को बैलगाड़ा हो, चाहे धंधा को बैलगाड़ा हो, दो बैल जोड़ दिए दोनों चल रहे हैं बेचारे, क्या करें जोड़ गए तो चलना तो पड़ेगा ही। अब आप भक्त बन गए, वो गरीब भगवान बन गए, जाएगा कहाँ, तो मजा कब है बाकी, जब भक्ति में जुड़े तब, तब दोनों को वहां में या तो वहां में इन्वॉल्वमेंट है, वाको या में इन्वॉल्वमेंट है, या की अहंता को वो शेयर कर रहे है, वाकी अहंता को ये शेयर कर रहे हो, या की ममता को वो शेयर कर रहे है, वाकी ममता को अपन शेयर कर रहे हैं। अपन ने मैंने वाको मन और मेरो मन एक मेक करी सान्य, ये जो कह हैं तो वो एक मेक करी सान्य वो सने को कब, जब अपन ने भक्ति का भाव हो तो भक्ति के भाव को निभाने के लिए महाप्रभु ने ये वचना मरते हो, ऐसो कबहू मत करियो। आज प्रणायक है, कल अपन दूसरा वचना लेंगे, परसों से तो फिर अपने को